हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज, आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम फोर्थ लेक्चर होगा सॉल्यूशन का, वो करने वाले हैं। तो थर्ड लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक सेकंड लास्ट सम करवाया था, जिसके अंदर अल्फा के बारे में बताया था और उस अल्फा को सोल्व करके उस सम को करने की कोशिश की थी। वो अल्फा वैसे सोल्व नहीं होता है जैसे हमने किया था, वो एक जनरल व्यू था और वो अचानक से सम आ गया था, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि मैंने सोचा शायद इसका कोई सिंपल फॉर्म से इसे किया जा सकता है। वो समझ लो मेरा एक्सपेरिमेंट था ऑन द स्पॉट, लेकिन उसको अल्फा से ही अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, वन ऑफ फैक्टर वगैरह उसके अंदर लगता है। तो वो सारी चीजें मैं आपको आज करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये स्लाइड्स जो है ये मैंने फिर खुद बनाई है, थोड़ा उन स्लाइड्स में गड़बड़ थी, तो दैट इज वाई कह सकते हैं कि थर्ड वाला लेक्चर थोड़ा सा लास्ट वाला एंड खराब हो गया। तो कोई रिकॉर्डिंग देखे तो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में आपको, अभी इस रिकॉर्डिंग में आपको पता लग जाना चाहिए कि सेकंड लास्ट वाला सम जिसमें अल्फा आता है 70% था जो, ठीक है, वो वाला सम उस मेथड से नहीं निकलेगा, ठीक है, उसी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो देखिए आपने क्या किया है वो बता देता हूँ। राउल्ट लॉ कर लिया, डाल्टन लॉ कर लिया, राउल्ट लॉ और डाल्टन लॉ का रिलेशन वर्सेस कर लिया, उसके बाद में आपने किया है हेनरी लॉ, ठीक है। अभी तक तीन लॉज ही आए हैं, तो तीन लॉज में क्या क्या किया है वो आप लोगों को याद होगा, नहीं याद है तो अगर किसी को याद है तो मेरे को बताइए। हेनरी लॉ क्या काम आता है और उसका क्या फॉर्मूला है, थोड़ा रिवाइज करेंगे हम ताकि इसके अंदर सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएं। इस सेशन में पीछे कुछ भी आपका मिक्स हुआ है, कुछ गड़बड़ हुई है, तो वो यहाँ पर क्लियर कट हो जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये स्लाइड्स मैंने अच्छे से सोच समझ के बनाई है। बताइए जरा भाई क्या है राउल्ट और हेनरी लॉ। सर हेनरी लॉ आपका गैस में वेपर प्रेशर निकालने के लिए यूज होता है, राउल्ट लॉ आपका लिक्विड में जो वेपर प्रेशर निकालने के लिए यूज होता है। सिर्फ हेनरी लॉ के बारे में बताइए बेटा, एक एक करके सिर्फ हेनरी लॉ बताइए पहले क्या होता है। सर हेनरी लॉ आपका गैस के लिए वेपर प्रेशर निकालने के लिए यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिक्विड में बहुत अच्छे तरीके से ना प्रीसाइज हो गए, क्रिस्टल क्लियर माइंड में, मतलब जो कीवर्ड्स हैं उसको मिस मत कीजिए और सोच समझ के अच्छे से बोलिए। गैस इन लिक्विड के लिए हेनरी लॉ यूज होता है, ठीक है, ओके। और इसका फॉर्मूला P = KH into mole fraction है ना, ठीक है, समझ में आ गया। हेनरी लॉ, एक्स से मोल फ्रैक्शन लगा लो, केएच को मल्टीप्लाई करो, आपके पास सामने सीधा प्रेशर आ जाएगा। और ये प्रेशर किस चीज का आएगा, गैस को जब लिक्विड के अंदर डिसोल्व करते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस लिक्विड के अंदर डिसोल्व होती है, तो हेनरी लॉ। उसके बाद में आता है राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ बताइए क्या। सर आपका किसी वोलेटाइल लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, जैसे हम किसी वोलेटाइल लिक्विड को सॉल्यूशन बनाते हैं उसका लिक्विड के अंदर, तो सर जो उसका वेपर प्रेशर होता है उसके लिए हमारा राउल्ट लॉ यूज होता है, उसका फॉर्मूला होता है सर राउल्ट लॉ, ठीक है। राउल्ट लॉ जो है वो किस लिए होता है, लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है, और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, वोलेटाइल होने चाहिए, दोनों वोलेटाइल होने चाहिए। और इसका फॉर्मूला क्या है, अब बोलिए बेटा फॉर्मूला क्या है। पी नॉट ए इज इक्वल्स टू पी ए इज इक्वल्स टू एक्स, पी नॉट ए आपका वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन है और पी ए आपका प्योर फॉर्म है। ए निकालना है हमें, पी ए क्या होता है, पी नॉट ए मल्टीप्लाई में एक्स, ठीक है। ए मतलब सोल्यूट है या सोलवेंट है, किसी का भी निकाल सकते हो। पी नोट पी बी क्या होगा, मतलब सोल्यूट या सोलवेंट में से कोई दूसरा होगा ये, ठीक है, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक्स बी, ठीक है। अब टोटल प्रेशर क्या होता है, पी टोटल है ना, तो हम सिंपली दोनों को ऐड कर दो, सिंपल सिंपल लाइए, तो पी ए नोट लगा रखा मैंने क्या, एक मिनट यहाँ पर नोट नहीं लगा, ठीक है, पी ए, अरे मल्टीप्लाई था आई थिंक है ना, हाँ मल्टीप्लाई, पी ए मल्टीप्लाई में एक्स से, पी नोट ए मल्टीप्लाई में एक्स से प्लस में पी नोट बी मल्टीप्लाई में एक्स बी, ठीक है, ये होता है टोटल प्रेशर। अब इसी का एक और फॉर्मूला था, पता है, वन बाय पी को दूसरे वाई वाली फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, वो क्या था, वन बाय पी टोटल, ठीक है, y a upon p not a plus y b upon p not b, p not a plus y b upon y b divided by p not b, ठीक है। और ये y a और y b क्या होते हैं, मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर वेपर फेज है ना, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज होते हैं। रुकिए, y a मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस है ना,
वेपर, मोल फ्रैक्शन इन वेपर सिंपल लिख सकते हैं, वाई ए वाई बी, और एक्स ए जो है वो मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन होता है, इसको भी मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, एक्स ए मोल फ्रैक्शन। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला था इन सॉल्यूशन? xa और xb जो है वो इक्वल टू वन, हाँ ये तो मोल फ्रैक्शन का सम वन होता है, नो डाउट टू इट, ठीक है। p टोटल के यही थे दो, p टोटल के यही थे, इसके अलावा कोई नहीं था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो ये तो था राउल्टला लिक्विड एंड लिक्विड वोलेटाइल के लिए। अब राउल्टला ना एक और भी है, वो राउल्टला बताता हूँ, राउल्टला जिसके ऊपर कल न्यूमेरिकल था वो हमने गलत तरीके से सॉल्व किया था, वही वाला, ठीक है, सॉल्व हुआ ही नहीं था वो एक्चुअल में, उसका आंसर गलत आएगा। तो राउल्टला होता है सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। अब जो सॉलिड होगा ये नॉन वोलेटाइल होगा, ये ध्यान रखना है अब आपको, दिस सॉलिड विल बी नॉन वोलेटाइल, ये नॉन वोलेटाइल है, ये समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, इसको याद रखना, लिक्विड वोलेटाइल है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जो चीज मिस हो रही थी मैं आज उसको सारा कवर करने की कोशिश करूंगा, स्लाइड्स में जो मिक्सिंग आ रही है, ठीक है। कल मेरा दिमाग खराब हो गया था कि हम सब उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, बच्चों को सारा उल्टा पुल्टा, तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा के आप लोगों के लिए जितनी भी रहने वाली चीजें वो सब एडिट करके कुछ वैसे बना ली थी। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास में लिक्विड है, तो लिक्विड के अंदर यहाँ मान लो मैंने चीनी डाल दी, तो चीनी सरफेस पर भी आएगी डेफिनेटली, है ना, बीच में भी होगी सॉल्यूशन के, तो जिससे क्या हुआ। और एक आपके पास में नॉर्मल, नॉर्मल वाला भी मैं यहाँ बना देता हूँ, एक नॉर्मल है जिसके अंदर कोई भी सोल्यूट नहीं है, तो इसके अंदर कोई सोल्यूट नहीं है तो ये तो अपना नॉर्मल वेपर प्रेशर दिखाएगा, ये होगा पी नोट, सिंपल सी बात है। इसका जो वेपर प्रेशर आएगा, अगर यहां मैं इसको ऐसे ढक देता हूं, इसको भी ऐसे ढक देते हैं, ठीक है, तो इसका जो वेपर प्रेशर आएगा, यहां जो वेपर्स का प्रेशर है लाइक दिस, ठीक है, ये वेपर्स का प्रेशर आएगा, ये आएगा पी नोट, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में है। और ये क्या आएगा भाई, ये अकेले सोलवेंट का ही प्रेशर है, ठीक है, तो इसको हम पी एस लिख सकते हैं, पी सोलवेंट, ठीक है। अब आप कहोगे सोलवेंट, ये सॉल्वेंट का है, बट यहां पर रेड कलर क्या है, ये सॉल्यूट है, रेड जो है वो सॉल्यूट है, ये याद रख लेना, इसमें गड़बड़ मत करना, ये सॉल्यूट के मिक्स होने के बाद, तो हम पी सॉल्वेंट को, इस पी सॉल्वेंट को प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, समझ में आ रहा बेटा ये सबको? यस सर, है ना, क्योंकि सॉल्वेंट का प्रेशर ही सॉल्यूशन का प्रेशर है, क्योंकि सॉल्यूट का तो कोई प्रेशर है नहीं, वो नॉन वोलेटाइल है, तो इस ये भी लॉ होता है। और इसमें भी सेम एज इट इज, इसके अंदर भी, इस राउल्ट लॉ के अंदर भी, ये जो राउल्ट लॉ है इसके अंदर भी जो फॉर्मूला लगता है वो वही लगता है, पी ए या कह लो सॉल्वेंट, यहां पर अब मैं सॉल्वेंट लिख रहा हूं, सॉल्वेंट और आप सॉल्यूशन कह सकते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इक्वल होता है पी नोट इनटू पी नोट ऑफ, किसका आएगा अभी ये पी नोट, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का ना, तो यहां भी वही लिखना पड़ेगा, एस लिख देते हैं, चलो इसको पी नोट मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका आएगा, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का ही आएगा, सॉल्वेंट का, है ना, सिंपल सी बात है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का टोटल दोनों का डिवाइड करके ऐसा कुछ निकालने वाले हैं। अब बात करते हैं कल वाले क्वेश्चन की, कल वाले क्वेश्चन में क्या था, हमने सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाला था ना, जो मोल फ्रैक्शन निकला था वो मैंने क्या किया था, मोल फ्रैक्शन थोड़ा हमने निकाला था कि वो थ्री मल्टीपल में हो जाएगा, फिर थ्री से उसको मल्टीप्लाई कर दिया था, ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होती है, मैं उसके थोड़ा अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होती है उस, अगर आपका सॉल्वेंट डिसोशिएट हो रहा है, डिसोशिएट, ठीक है, यानी कि मान लो NaCl आपने डाल दिया यहाँ पे, इस बात को ध्यान से समझिएगा। और ये जो कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं कि सॉलिड इन लिक्विड ठीक है, सॉलिड इन और गैस इन लिक्विड, ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। अब देखिए जरा, मान लीजिए यहाँ एक सॉल्यूशन है और इसके अंदर आपने NaCl डाल दिया, तो होता क्या है, NaCl क्या काम करेगा, यहां पर मान लीजिए NaCl है, थोड़ा कलर बदल लेते हैं, ठीक है, यहां पर मान लीजिए NaCl आ गया, तो NaCl क्या Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा ना, सिंपल सी बात है, yes. तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव इसके अंदर है, तो हमने तो डाला था
वन मोल NaCl लिया था, सुपोज वन मोल NaCl इस सॉल्यूशन में, यहां पर मैं लाइन लगा रहा हूं और सिर्फ नीचे वाला पार्ट देखिएगा, इस सॉल्यूशन में वन मोल NaCl था, ठीक है, बट एक्चुअल में क्या हो गया, Na पॉजिटिव भी वन मोल आ गया अपने पास, ठीक है, और Cl नेगेटिव, जो Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव भी वन मोल आ गया, क्योंकि ये 100% डिसोशिएट हो रहा है। Why? 100% डिसोशिएशन हो रहा है यहाँ पे। आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग साल्ट है, स्ट्रॉन्ग साल्ट क्या होते हैं, 100% डिसोशिएट हो जाते हैं। ये समझ में आ गया अभी सबको? तो इसकी वजह से क्या होता है, 100% डिसोसिएशन की वजह से हमारे पास डबल मोल आ गए जबकि हमने एक मोल लिया था। तो यानी कि ये जो वेपर प्रेशर सोल्यूट डालने से, अब एक चीज देखो ऊपर जो मैंने करवाया है कि सोल्यूट डालने से वेपर प्रेशर पी नोट से ज्यादा आएगा कि कम, इसका वेपर प्रेशर क्या आएगा बताइए, पी नोट से कम आएगा ना, तो इसका वेपर प्रेशर जो होगा पी नोट में से, पी नोट ज्यादा होगा है ना, जो पी एस होगा उससे। Why? ये अब आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि P नोट जो है, यहाँ आपको P नोट नजर आ रहा होगा, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि P नोट जो है वो ज्यादा है PS से, तो PS जो सॉल्वेंट का आएगा, वजह आपके सामने है, कुछ सोल्यूट के पार्टिकल्स ने सॉल्वेंट को हवा में उड़ने से रोक दिया क्योंकि वहां पर सोल्यूट के पार्टिकल्स आ गए, क्लियर है ना, सरफेस के ऊपर, इसकी वजह से सॉल्वेंट के पार्टिकल उड़ नहीं पाएंगे तो उनका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं रिलेटिवली लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सॉल्यूट डालने से पहले जो वेपर प्रेशर था, अभी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, रिलेटिवली, कंपैरेटिवली बोल दीजिए, रिलेट करना या कंपेयर करना, कंपैरेटिवली या रिलेटिवली लो हो गया, क्या लो हो गया, वेपर प्रेशर। यहां तक क्लियर हुआ बेटा सबको? Yes, sir, clear. ठीक है, फॉर्मूला वही लगेगा, फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला मैंने सेम टू सेम आपके सामने वही लगा रखा है, देखो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है, पी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन वाला, ये फॉर्मूला आपके पास में, और ये फॉर्मूला सेम टू सेम ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है, राउल्ट ला वैसा ही रहेगा, बट डिफरेंस क्या आएगा, 100% डिसोसिएशन, मतलब हमने कल फॉर्मूला तो सेम लगाया था बट मैंने आपको अल्फा जो सिखाया था वो मैं सोच रहा था कि थोड़ा उसको इजी करके आपको बता दूं और शायद वो समझ में आ जाए, वरना फिर उसको कॉम्प्लेक्स तरीके से तो हम करने वाले हैं जो हम अब करेंगे, ठीक है, तो फॉर्मूला वही रहेगा बट रिलेटिवली लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ जाएगा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पर, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो हवा में नहीं उड़ता वो सोल्यूट ऐड करेंगे तो प्रेशर, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। सारा थियोरटिकल बैकग्राउंड करा रहा हूं, अभी मैथमेटिकल में नहीं पहुंच रहा हूं, फिर बीच में हम बाद में स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल को, ठीक है, एक चीज तो ये कंफर्म होनी चाहिए अब आपको। अब दूसरा प्रॉब्लम आता है यहां नीचे, जो सोल्यूट हम ऐड करते हैं वो अगर टूट जाए, दो टुकड़ों में टूटता है NaCl, या जुड़ जाए, जुड़ने वाले भी सोल्यूट होते हैं बिल्कुल, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH, एथेनोइक एसिड क्या करता है, डाइमर बनाता है, मतलब इसके दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, जब आप इसको पानी में डालते हैं तो दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, ये बात सबको समझ में आ रही है बेटा? यस सर। तो यानी कुछ जुड़ने वाले भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, टूटने वाले भी होते हैं, तो अगर जुड़ या टूट गया तो यहां मैं जो ये भरूंगा ना, जो फॉर्मूले में भरूंगा पी नोट इनटू एक्स मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन क्या हम सही निकालेंगे, सॉल्वेंट के मोल तो सही निकाल लेंगे हम, लेकिन सोल्यूट टूट रहा है या जुड़ रहा है तो उसका जुड़ना और टूटने की वजह से इनके मोल में गड़बड़ आ जाएगी, तो मोल फ्रैक्शन में गड़बड़ आ जाएगी, तो हम क्या उसके जितना बार टूट रहा है जितनी बार जुड़ रहा है क्या वो निकाल दें, वो डाल दें उसके अंदर, वो वैसे नहीं डलेगा जैसे मैं सिंपल करके कल आपको बता रहा था, कोशिश थी मेरी कि सिंपल करेंगे, ठीक है, लेकिन कल जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन करवाया था प्रीवियस लेक्चर में वो गलत था, ठीक है, मैं जस्ट ट्राई कर रहा था, जस्ट एक्सपेरिमेंट था वो, सिंपल और साफ, मुझे लगा कि शायद इससे भी हो जाएगा, कई बार होता है ना टीचर्स को भी लगता है ये भी ऐसे भी कर लें, क्योंकि कुछ बहुत सारी चीजें वो सिंपल मेथड के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है, तो लेकिन अब मैं उसका सही मेथड बताऊंगा कि जुड़ना और टूटने की वजह से इस फॉर्मूले में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मासेज। कैसे? अब एबनॉर्मल मोलर मासेज क्या बला है, तो मैं एक नेक्स्ट पेज ले रहा हूं उसके ऊपर अब आपको बता रहा हूं, देखिए क्या होता है, पी एस सोलवेंट का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हमने क्या निकाला, पी नोट जो एस था मल्टीप्लाई में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, ठीक है, यही था ना फॉर्मूला? Yes, अब अगर मान लो ये डिसोशिएट हो गया, राउल्ट लॉ है, सिंपल है, कुछ नहीं है अभी तक भी इसमें कुछ नहीं है, अगर ये डिसोशिएट हो गया तो डिसोशिएट होने पर इसका मोलर मास कैसे निकलेगा, पहले तो वो देखते हैं, मोलर मास कैसे निकालें भाई, मोलर मास निकालना आता है सबको, इसको एक्सपेंड कर दोगे आपके सामने मोलर मास आ जाएगा, देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या करूं मैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल
टोटल क्या करूं, मतलब मान लो सोलवेंट को भी मैं ले लेता हूं, एन वन ले लूं या एन टू लूं, एन टू ले लेते हैं इसको, ठीक है, और सोल्यूट लेते हैं एन वन प्लस सोलवेंट एन टू, ऐसा लिख सकता हूं, क्लियर है? यस सर, ठीक है, मैं सोल्यूट सोलवेंट भी लिख सकता हूं, बट वो फिर मैथमेटिकली आपको प्रॉब्लम देगा क्योंकि बुक्स में ऐसा ही लिखा होता है, एन टू एन वन, एन वन का मतलब है जो कम अमाउंट में, एन टू का मतलब है जो ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो, सोलवेंट और सोल्यूट। अब देखो होगा क्या, ये लिख लिया, अब मुझे पता है पी एस इक्वल आ जाएगा पी नोट एस, मल्टीप्लाई के अंदर एन वन एन टू ला रहा है, तो एन टू क्या होता है भाई, गिवन मास, मास डब्ल्यू टू वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, यही होता है। Yes, sir. डिवाइड में इन दोनों को भी जोड़ दूं, इसका गिवन मास डब्ल्यू वन डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, प्लस में गिवन मास डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मोलर मास भी दोनों का अलग अलग होगा, तो मान लो मैं इसको m1 m1 दे देता हूं, मोलर मास ऑफ 1। यहां से आप क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम क्या मानते हैं कि n1 और n2 फोर डाइल्यूट सॉल्यूशन, याद रखना फोर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, n1 का अमाउंट बहुत कम होगा, सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होने वाला है, समझ रहे हो मेरी बात, तो हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। मान लो मैंने चुटकी भर नमक मिला दिया एक लीटर पानी में, तो चुटकी भर नमक का वजन ना करूं तो चलेगा, यस और नॉट, चलेगा, तो मैं एन वन को मानू ही ना, इसको मैं नेगलेक्ट कर दूं, तो फिर देखो नीचे वाली इक्वेशन थोड़ी सी बदल जाएगी, ये ना के बराबर हो गया, एन वन अगर ना के बराबर हो जाए, ठीक है, तो नीचे तो वही आ जाएगा डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाय एम वन और एम वन, ये तो कट जाएगा ना, उल्टा कर रहा हूं क्या मैं, तो कट गया, इज दिस समथिंग मिसिंग, हाँ भाई किसी को समझ में आया, ये कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं, छोड़िए इसको ऐसे ही रखते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है, बाद में इसको सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। तो मान लीजिए इसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए भी करेंगे, और जिसमें हम W1 को इसको मास को लगभग ना के बराबर कर देंगे, तो ये आपके सामने सीधा सीधा इसका फॉर्मूला आ जाएगा, और यहां से हम क्या निकालेंगे, एम निकालेंगे, एम, ठीक है, मोलर मास यहां से आ जाएगा आपके पास, तो इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके हम मोलर मास निकाल लेते हैं, किसका मोलर मास निकाल लेते हैं, सोल्यूट का, सोल्यूट का, M1 का निकालेंगे, सॉरी, ठीक है, सोल्यूट का ही मोलर मास निकालेंगे, ये वाला सोलवेंट का नहीं निकालेंगे, तो सोल्यूट का मोलर मास आपके सामने यहां पर आ जाएगा। इस तरह से इन फॉर्मूलाज को सोल्व किया जाता है। अब ये बताने का तरीका क्या था, मतलब इस पे अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसको मैं करेक्ट करके भी बताऊंगा, डोंट वरी। अब इसको बताने का मीनिंग क्या था, कि जब हम सोल्यूट का मोलर मास यहां से निकालते हैं तो वो एग्जैक्ट आना चाहिए, बट सोल्यूट क्या करता है, अगर सोल्यूट टूट गया या सोल्यूट जुड़ गया, तो वो जो यहां से मोलर मास निकालेंगे ना, इस तरह से इसको एक्सपेंड करके, वो सही नहीं आएगा, एग्जैक्ट नहीं आता, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मासेस, एबनॉर्मल मोलर मास, मतलब इन फॉर्मूलों से जब आप राउल्ट लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करके मोलर मास निकालते हैं, तो वो मोलर मास अगर सही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब या तो आपका सोल्यूट डिवाइड हुआ है, या फिर आपका डिसोसिएट हुआ है, या फिर एसोसिएट हुआ है, जुड़ा है या टूटा है। ये बात समझ में आई कि मैं इस स्लाइड से क्या कहना चाहता हूँ? Yes, sir. Yes, सबको समझ में आ गया, फॉर्मूला बाद में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। तो यानी कि एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब कब होगा, कि हम नॉर्मली तो ये सीधा फॉर्मूला लगा के सम निकाल लेते हैं, यहां से आप डायरेक्टली एम टू एम वन की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कई बार क्या होता है, ये जो वैल्यू निकली और एक्चुअल जो वैल्यू होती है उनमें फर्क होता है, और इसी फर्क को बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, मतलब मोलर मास एबनॉर्मल नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि या तो सोल्यूट डिसोशिएट हो गया या एसोशिएट हो गया, सारा कुछ राउल्ट लॉ के अंदर ही हो रहा है, मतलब सिर्फ उसको एक्सपेंड किया जा रहा है। That is it. तो अब मैं sir, हाँ बेटा सर, अगर ये dissociate और associate हो तो molar mass कैसे affect हो गया फिर इसका, ये समझ नहीं आया। देखो molar mass मतलब क्या है, हमने क्या किया था कि यहाँ पर number of moles और ये जो इसका p note आ रहा है, मान लो one mole आपने लिया था, रुको मैं दूसरी slide में दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर मान लीजिए कि आपने यहाँ one mole NaCl लिया, one mole NaCl, but NaCl Na positive और Cl negative में टूट गया, एक मोल इसका हो गया, एक मोल इसका हो गया, मतलब जितने एटम आपने लिए थे, एक एटम लोगे तो एक्चुअल में आपके दो आयन आ गए, दो आयन्स का सरफेस एरिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा,
बढ़ेगा। एक बोल में से दो बोल तोड़ दी तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ गया तो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल ज्यादा आ जाएंगे, आयन या मॉलिक्यूल जो भी हैं सॉल्यूट के, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, समझ गए। तो वेपर प्रेशर जो हम निकालेंगे, यानी ये यहाँ पर सोलवेंट का जो वेपर प्रेशर निकलेगा वो वैसा नहीं निकलेगा जो वन मोल NaCl से निकल रहा है, वो एक्चुअल में इनका इफेक्ट आ गया बीच में, इन दोनों का इफेक्ट, जिसकी वजह से वो वाली वैल्यू तो नहीं आने वाली। मतलब इसका मतलब अगर इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके मैं मोलर मास भी निकालूं, मोल फ्रैक्शन से मोलर मास निकाल सकते हैं, है ना, मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में मोलर मास होता है, गिवन मास बाय मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए मोलर मास चाहिए, तो वहां से मैं अननोन वैल्यू मोलर मास की भी निकाल लूंगा। अब ऐसा करने के बाद जो मोलर मास मेरे पास आएगा, क्योंकि ये उतना कम नहीं हुआ जितना मेरा एक्सपेक्टेड था, उससे ज्यादा कम हो गया, और अगर उससे ज्यादा कम होता है तो वो अफेक्ट जरूर करेगा इस चीज को। इसी वजह से मोलर मास अपने आप जो निकाला ना मैंने एक्सपेरिमेंट करके, वो एक्सपेरिमेंटल मोलर मास गलत आया, समझ में आ गया। यस सर, एग्जैक्टली वो नहीं आया जो आना चाहिए था, क्योंकि ये डिसोशिएट हो गया, और अगर ये जुड़ जाता तो भी गड़बड़ करता, तो दैट इज द स्टोरी कि ये जुड़ने या टूटने से ऐसा गड़बड़ करता है, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट स्लाइड थी उसी, इसके अंदर मैंने यही चीज समझाने की कोशिश की है। अब देखते हैं, अब आपको ये चीज कंफर्म हो गई होगी कि हमने क्या किया है। सीधी सी बात है, राउल्ट ला लिक्विड इन लिक्विड होता है, सिंपल, ये फॉर्मूलाज आपके ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। राउल्ट ला फिर सॉलिड इन लिक्विड जो होता है वो नॉर्मल फॉर्मूले को ही अप्लाई होता है, बट आपको पता होना चाहिए सोल्यूट डलने पर उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, प्योर वाले से कम। अब बात आती है कि अगर डिसोशिएट या एसोशिएट हो जाए तो जो वेपर प्रेशर की वैल्यू आएगी वो कम से भी और कम, या कम से थोड़ी ज्यादा आ सकती है, उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि अगर जुड़ जाए तो। और इस गड़बड़ के लिए फिर हमने अलग से फॉर्मूला को डिराइव किया, यानी फॉर्मूला वही रहेगा, बस उसमें एक वोन होफ फैक्टर डाल दिया जिसको बोलते हैं आई। अब वो आई कैसे निकाला जाता है फॉर्मूले के अंदर, मतलब कोई भी फॉर्मूला जब आप करोगे, यहां हमने ये फॉर्मूला किया ना, इसके आगे आई लगा दो, ये लो, अब ये परफेक्ट फॉर्मूला बन गया। इस आई को बोलते हैं वोन होफ फैक्टर, क्लियर है। तो इसको भी जोड़ेंगे हर फॉर्मूले के अंदर, जितनी भी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करेंगे उसके अंदर वो सब कुछ जोड़ने वाले हैं, ठीक है। ये स्लाइड समझ में आ गई बेटा सबको, क्लियर है ना। अब बात करते हैं पीछे वाली स्लाइड की, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आज जो हम करने वाले हैं, एक करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज उसकी डेफिनेशन देंगे, बस डेफिनेशन ही काफी आपके लिए, ठीक है। उसके बाद में अब एबनॉर्मल मोलर मास समझ लो कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि होता क्या है, ठीक है। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये करने वाले हैं, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो ये जो दोनों पॉइंट है, ये यूं समझ लो 5 मिनट का टॉपिक है, 5 मिनट सिर्फ, बहुत आसानी से हो जाएगा। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है, इसके ऊपर मैंने अभी अभी थोड़ा सा आपको बताया कि वेपर प्रेशर जितना लो होना चाहिए सोल्यूट ऐड होने से, वो रिलेटिवली और भी कम हो गया, मतलब जितना होना चाहिए उससे कम हो गया। राउल्ट ला वाला ये अभी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, बट इसके अंदर हम डालने वाले हैं, क्या डालेंगे इसके अंदर, आई डालेंगे, वोनो फैक्टर, सेम एज इट इज, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इनके अंदर भी आई डालने वाले हैं, आई, यानी सभी फॉर्मूलाज जो बनाएंगे उनमें वोनो फैक्टर ऐड होगा। और एक लास्ट टॉपिक आपका बचेगा इस लेसन का, वो होता है ओस्मोटिक, ओस्मोटिक प्रेशर, ये लास्ट टॉपिक होगा, इसको करने के बाद पूरा लेसन खत्म। और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है ना, ये चार ही है, ये चारों इसको मिला के, ठीक है, चार पांच जितना भी, ये एबनॉर्मल मोलर मास को छोड़ दो, 3 से नीचे 6 तक वाली, ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो आपको स्टडी करनी है। एबनॉर्मल मास उसी के अंदर आता है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नीचे वाली सारी की सारी होती है, ठीक है। तो इसी को स्टार्ट करेंगे आज, इसी को वन बाय वन लेते हैं, तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले भाई ये आपकी स्लाइड है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत आसान है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जस्ट थ्योरी है, सिंपली आपको समझ में आएगा। जो प्रॉपर्टीज अमाउंट पर डिपेंड करती हैं, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती, मतलब क्वालिटी पे नहीं, क्वांटिटी पे, अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, क्वालिटी पे नहीं। जैसे पानी में चीनी मिला दो, ठीक है, सिंपल करके देखिए, पानी के अंदर चीनी मिला दीजिए तो चीनी क्या करेगी, चीनी सरफेस पे भी आ जाएगी ना पानी के अंदर, और नीचे भी रहेगी। तो जो इसका वेपर प्रेशर था, चीनी उसको, क्योंकि चीनी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो चीनी क्या करेगी, वेपर प्रेशर को लो कर देगी, समझ में आ गया। यस सर। पानी को मीठा भी करेगी, बट हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें उसकी क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, क्वांटिटी से मतलब। अगर मैंने चीनी ज्यादा मिला दी तो ज्यादा सरफेस के ऊपर आ जाएगी चीनी, ज्यादा आ जाएगी तो
जरूरत से ज्यादा लो हो जाएगा वेपर प्रेशर. समझ में आ गया? क्लियर है? यानी अमाउंट अगर ज्यादा मिला दूं तो चीनी का सरफेस, जो चीनी का, चीनी की वजह से सरफेस एरिया है वो ज्यादा इफेक्ट होता है, जिससे क्या होगा उसका वेपर प्रेशर इफेक्ट होता है. अगर चीनी की जगह नमक मिला दूं तो नमक भी यही काम करेगा. हालांकि चीनी के कंपैरिजन में उसका एटॉमिक साइज अलग होगा, आयन का साइज अलग होगा, तो कंपैरेटिवली वो कम ज्यादा कर सकता है. बट नमक का ज्यादा अमाउंट मिला दूं तो नमक भी और ज्यादा क्या करेगा, वेपर प्रेशर को कम करेगा, लो कर देगा, है ना. यानी चाहे चीनी मिलाओ चाहे नमक मिलाओ, दोनों क्या काम कर रहे हैं, वेपर प्रेशर को लो कर रहे हैं. दोनों की स्ट्रेंथ अलग अलग है, मानते हैं कि एक ज्यादा करेगा एक कम करेगा अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, बट काम तो दोनों सेम कर रहे हैं, वेपर प्रेशर लो हो रहा है और दोनों का अमाउंट बढ़ाने पर वेपर प्रेशर उसी हिसाब से अफेक्ट हो रहा है. क्लियर है ये सबको? यस सर. यस बेटा, है ना. तो ऐसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं जो अमाउंट पर डिपेंड करती है, ऐसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. समझ में आ गया भाई? प्रॉपर्टीज डोंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, बट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट, यानी कि अमाउंट पर. नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कितने डाले हैं, सोल्यूट पार्टिकल आप कह सकते हैं अमाउंट. समझ में आ गया बेटा? अमाउंट पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज जो होती हैं डिपेंड अपॉन अमाउंट, उसके नेचर पर नहीं. वो मीठा करेगा या खारा करेगा, ठीक है, या कड़वा करेगा या नमकीन करेगा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लोअर वेपर प्रेशर को लो जरूर करेगा. ठीक है, तो अमाउंट ज्यादा डालोगे और ज्यादा वेपर प्रेशर को लो करेगा, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. समझ में आ गया बेटा? क्लियर है डेफिनेशन? अब देखिए ये कौन कौन सी होती है, चार टाइप की होती है. रिलेटिवली लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर लो हो जाता है, जो अभी अभी हमने ऊपर वाली स्लाइड में किया कि वेपर प्रेशर लो हो जाएगा पानी में नमक डालने पर. ठीक है, जो पहले था सोलवेंट का, अभी वो उतना नहीं रहेगा, उससे कम हो जाएगा. कितना कम होगा वो अमाउंट पे डिपेंड करेगा. ज्यादा अमाउंट डाल दोगे नमक या चीनी तो ज्यादा लो हो जाएगा, कम अमाउंट डालोगे तो कम हो जाएगा, कम अफेक्ट होगा. इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नमक डालने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है टोटल, याद रख लेना. नमक डालने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, या चीनी डालने पर भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. यानी कि अगर आपको 100 डिग्री से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट चाहिए वाटर का, तो आप उसके अंदर अच्छा खासा नमक मिला दो, बॉइल नहीं होगा जल्दी सी पानी. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, इसका एक वो भी बताऊंगा आपको मैं यूज. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग यानी बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा. मतलब पानी में अगर नमक मिलाओ तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है. क्लियर है ये बात? यस सर. अच्छा खासा नमक मिलाओगे तो 10 से 15 20. यस बेटा. लेकिन लोग कहते हैं कि जब वो अंडे बॉइल करते हैं तो उसमें नमक डालने से वो जल्दी बॉइल हो जाते हैं, क्योंकि पानी हवा में उड़ता नहीं है ना. तो 100 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर पानी, देखो यही तो है, आप उल्टा समझ रहे हो उसको. देखो यहाँ पर मान लो कि एग डाल दिया आपने इसमें, ठीक है, वो नमक डाला हुआ है, ये हवा में उड़ने नहीं देगा, तो अंडा जल्दी बॉईल होगा क्योंकि पानी अब ज्यादा हीट को अपने पास रख सकता है. 100 हीट मिलते ही पानी हवा में उड़ जाता है, समझ रहे हो. अब 100 से ज्यादा पर पानी बॉईल होगा, तो 100 से ज्यादा पर मतलब नीचे से तो मैं उसको हीट करी जा रहा हूँ, लेकिन पानी बॉइल नहीं हो रहा. और पानी बॉइल नहीं हो रहा तो पानी हाई टेम्परेचर पर बॉइल होगा, तो हाई टेम्परेचर के मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के, वो अंडे को मिलेंगे, अंडा जल्दी जल्दी बॉइल हो जाएगा. यस सर. सर पानी ठंडा भी जल्दी होता है ना इससे? हाँ, डिप्रेशन ठंडा कैसे? जैसे नमक डाल के वो आइसक्रीम जमाते तो वही तो होगा इसमें भी, मतलब उसका वो अलग इफेक्ट. हाँ हाँ, समझ गया मैं आपकी बात, वो भी आप उल्टा ले रहे हो, वो वैसा नहीं है. देखिए उसको भी समझिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो क्या करते हैं बर्फ जमाने वाले, वो क्या करते हैं, वो उनके पास एक घड़ा सा होता है, उस घड़े के अंदर नमक डाल लेते हैं, फुल ऑन नमक, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, इस नमक वाले पानी में बर्फ को पीस के बर्फ को डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, ये पानी जमता नहीं है, इट विल नॉट बी सॉलिड, ये सॉलिड नहीं बनेगा, बल्कि ये लिक्विड रहेगा, पर इसका टेम्परेचर 0 से नीचे चला गया, और इसके अंदर वो कुल्फी डाल देते हैं. अब कुल्फी के अंदर तो नमक नहीं है, तो कुल्फी जम जाएगी ठंडे पानी की वजह से, यानी ये फ्रीजर का काम करेगा. कुल्फी तो अंदर की जम गई बट पानी नहीं जमेगा. अब वो पानी को क्यों नहीं जमाना चाहते, क्योंकि इसका रीजन ये है कि अगर यहां पर मान लो कि उसने एक कुल्फी डाल रखी है, ठीक है, इस तरह की एक कुल्फी है जो यहां इसने डाल रखी है, और ये पानी गया जम, तो कुल्फी निकाल के आपको कैसे देगा, वो बर्फ को तोड़ेगा, फिर बेचारा दोबारा फ्रीजर कहां से लाएगा,
क्योंकि बर्फ टूटने के बाद में एनर्जी गेन कर लेगी, लिक्विड हो जाएगी और पानी जो है वो सारा का सारा लिक्विफाई हो गया, तो उसका टेम्परेचर काफी अप हो जाएगा। लिक्विड तभी बनेगा जब टेम्परेचर अप होगा, तो उसकी सारी कुल्फी जो है वो सारी कुल्फी पिघल जाएगी, उसकी कुल्फी कोई खरीदेगा नहीं। तो वो लोग जो बर्फ का पानी रखते हैं, वो नमकीन बर्फ का पानी रखते हैं, उसका टेम्परेचर जीरो से नीचे करके लाते हैं घर से, उस घड़े के चारों तरफ कपड़ा वपड़ा लपेट देते हैं, उसको अच्छे से सेट रखते हैं ताकि उसको बाहर से हीट मिले ना, अंदर हीट जो है, अंदर की जो आइस है, आइसक्रीम जो है वो तो सॉलिड हो जाएगी बट पानी लिक्विड ही रहेगा, क्योंकि उन्हें पानी लिक्विड चाहिए ताकि वो हाथ मार के आसानी से आइसक्रीम को बाहर निकाल सके। अगर वो जम गया पानी तो दिक्कत हो जाएगी, यानी नमक मिलाने से पानी का फ्रीजिंग पॉइंट नीचे चला गया और इसी का फायदा उठाते हैं वो। समझ में आया बेटा? यस है ना, क्लियर हो गया। तो वो एग के लिए भी ऐसा ही करते हैं कि हमें काफी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, दैट इज वाई हम उसका यूज करते हैं। तो यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट डाउन होगा, बस ये चीज याद रख लेना। अब बात करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट डाउन होने के फायदे क्या हैं। ये वाला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका एक बहुत बड़ा बढ़िया फायदा ना विदेशों में होता है। विदेशों में आपको पता है बर्फ पड़ती है, रोड के ऊपर भी बर्फ जमा हो जाती है, तो वहां पर ना लोग नमक डाल देते हैं, नमक, ठीक है, जिससे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो जाता है। तो मुझे कोई बताएगा, आसमान में से बर्फ गिरी, रोड के ऊपर गिर गई, रोड के ऊपर नमक भी है, ठीक है, क्लियर है ये बात? तो क्या बर्फ नमक में मिलने के बाद घुल जाएगी क्या, मतलब बर्फ पिघल जाएगी? बर्फ तो नहीं पिघलने वाली, और उस जो ऊपर से बर्फ गिर रही है उसमें तो नमक है नहीं, फिर नमक क्यों डालते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप शायद आंसर निकाल सकते हो। ताकि बर्फ हो ज्यादा टाइट ना जमे। नहीं नहीं, वो रीजन नहीं है, और कुछ सर? क्योंकि ताकि वो नीचे की बर्फ पिघली रहेगी, तो जब वो साफ करे तो आसानी से साफ हो जाए, शायद इस वजह से। थोड़ा थोड़ा सा करीब हो लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। चलो मैं बता देता हूँ, देखो अब जरा ध्यान से सोचना। पानी अगर काफी सारा नमक, ये रोड है आपके पास, ब्लैक कलर का मान लीजिए रोड है, इसके अंदर व्हाइट पट्टियां लगी होती हैं, यू नो इट वेरी वेल, है ना, ऐसी ऐसी। तो ये रोड है, अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, बहुत सारा नमक डाल दिया, नमक भी व्हाइट ही है, तो मैं व्हाइट नमक डाल रहा हूँ बहुत सारा रोड के ऊपर, ठीक है। और ऊपर से रात को क्या हुआ, रात को बर्फ ऊपर से गिर गई, तो बर्फ ने क्या किया, पूरी बर्फ ऐसे गिर गई रात को, तो रोड हो गया पूरा सफेद, क्लियर है। अब नमक नीचे है, इसके नमक इसको डिसॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि बर्फ में नमक थोड़ा घुलेगा, लेकिन सुबह तो सूरज निकलेगा, सूरज ना भी निकले, सुबह का टेम्परेचर हाई होता है, रात का टेम्परेचर डाउन होता है, ये सबको पता है, क्योंकि सुबह सनलाइट नहीं भी है लेकिन सन का इफेक्ट होता है, हीट जरूर आती है। उस हीट में जो बर्फ रात को गिरी थी वो थोड़ी थोड़ी तो बाहर बाहर से पिघलेगी ना, समझ रहे हो बात? हीट लेगी तो पिघल जाएगी, वो पिघलते ही नमक में मिक्स हो जाएगी। अब नमक में मिक्स हो गई तो जब रात, अगले दिन जब अगली रात फिर से टेम्परेचर जीरो से नीचे चला जाएगा, पर जो नमक में मिक्स हो गया ना पानी, वो अब जमेगा नहीं, यानी कि अब उतनी मोटी लेयर नहीं जम पाएगी रोड पे जितनी पहले जम रही थी, इस वजह से नमक डाला जाता है। समझ में आया? मतलब रात के टाइम में अब जो पानी इसके साथ घुल गया ना, वो लिक्विड ही रहेगा, वो रात के टाइम में जमेगा नहीं, क्योंकि उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो गया। वरना क्या होता है, आज रात को बर्फ जम गई, सुबह आया, सुबह दिन में थोड़ी बहुत हीट हुई, बर्फ थोड़ी बहुत पिघल गई, मान लो 50% बर्फ पिघल गई, 50% बर्फ बची हुई है, 50% पानी बन गया। अगली रात को क्या होता है, वो जो 50% पानी था वो भी जम जाता है, 50% ऑलरेडी बर्फ थी वो तो ऑलरेडी जमी हुई है, और अगली रात को यूं समझ लो एक और लोट, एक और मतलब एक्स्ट्रा लेयर बर्फ की फिर से जम जाती है, और नेक्स्ट डे फिर से वो थोड़ा सा पिघलता है, वो पानी रात को फिर से जम जाता है, और इस तरह से लेयर दर लेयर मोटी लेयर जमती रहती है। समझ गए? मतलब आज जो बर्फ जमी है थोड़ी बहुत पिघल भी गई, तो अगले रात को फिर से जम जाएगी, फिर उससे अगली रात, और इस तरह से लेयर पर लेयर जमती रहती है। बट अगर नमक डाल दिया तो नमक क्या करेगा, अगर वो थोड़ा बहुत पानी बन गया तो उस पानी को दोबारा वो बर्फ नहीं बनने देगा, यानी कुछ तो बेनिफिट हुआ नमक डालने का। और अगर हीट अच्छी खासी रही, अगर सूरज निकल गया और सूरज ने सारी लेयर को पिघला दिया, तो नीचे नमक है तो वो वाली लेयर तो पूरी डिसॉल्व हो जाएगी, नमक के अंदर घुल जाएगी, और वो अगली रात को फिर से बर्फ नहीं बनेगी, नए वाली बर्फ ऊपर से गिर सकती है बट पुराने वाली बर्फ जमेगी नहीं। क्लियर हो गया सबको? यस सर। तो इस तरह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट डाउन चला जाता है, जीरो से -10 -20 तक चला जाता है, -20 बर्फ मिला दोगे तो -20 डिग्री सेल्सियस पर भी पानी लिक्विड फॉर्म में रहेगा, जीरो पे जम जाता है ना जनरली। हाँ बेटा,
सर जैसे कि अगर उन्होंने बर्फ में लाया तो फ्रीजिंग पॉइंट कुछ हद तक कम हो गया, लेकिन टेम्परेचर उस रात को उससे भी कम हो गया, तो जब सर ये जो पानी फिर तो था, फिर तो जम जाएगा पक्का, तो सर वो सॉल्ट सेपरेट आउट हो जाएगा फिर? नहीं 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 सोल्ट अंदर ही रहेगा, सोल्ट अंदर रहेगा बेटा, सोल्ट तो अंदर ही रहेगा, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट डाउन होगा ना, सोल्ट उसके अंदर ही जम जाएगा। जैसे पानी के अंदर हम सॉरी दूध में हम चीनी मिलाते हैं और फिर उसको मिक्स करके फ्रीजर में जमा दे, तो चीनी दूध में रहती है ना फ्रिज के अंदर भी जब उसको खाते हैं, वैसे ही पानी अंदर ही जम जाएगा, लेकिन -20 तक तो कम से कम बचत रहेगी, -20 तक तो नहीं जमेगा। और -20 देखो साइबेरिया है जहां पर -50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है टेम्परेचर, और वहां आपने कहीं यूट्यूब पे या कोई रील या कोई इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा कि लोग एक जग ले रहे हैं उसमें पानी लाए और अंदर से बाहर आए और यूं ऊपर हवा में मारते हैं और पानी हवा में ही बर्फ बन जाता है। यस सर, माइनस ना, हाँ साइबेरिया के अंदर वहां इतनी ठंड होती है, तो वहां पर तो नमक मिलाने का कोई फायदा नहीं है। उसके अलावा जहां पर कम ठंड है वहीं फायदा देगा, नमक की भी बेचारे की एक लिमिट है ना बेटा, तो वो लिमिटेड एरिया में ही काम आएगा, अगर लिमिट से पार हो गए तो फिर वो भी काम नहीं आएगा, ठीक है, बट वन ऑफ द मतलब बेनिफिट है। अब इसका एक ड्रॉबैक भी है नमक का, क्या ड्रॉबैक है पता है? नमक जम तो जाता है, ठीक है, नमक मतलब पानी बर्फ को पिघला तो लेता है, लेकिन ना नमक जब गाड़ियां चलती है ना रोड पे, तो नमकीन पानी जो है वो गाड़ियों के टायरों को लगता है और फिर वो गाड़ी के मेटल बॉडी को लगता है, तो मेटल की बॉडी खत्म, नमकीन पानी बहुत जल्दी मेटल को जल्दी रस्ट लगता है उसकी गाड़ियों की, हाँ यस रस्ट जल्दी लगेगा, कोरोजन लगेगा, जिसकी वजह से गाड़ियों का नीचे वाला हिस्सा गल जाएगा। तो फिर इसका इलाज भी इंजीनियर ने ढूंढ लिया, आजकल गाड़ियों के नीचे ना प्लास्टिक बॉडी मतलब मेटल की शीट के नीचे प्लास्टिक की बोतल बॉडी लगा देते हैं, वो प्लास्टिक का कुछ नहीं बिगड़ता नमक में, है ना। और आजकल हमारे यहाँ गाड़ी लेने जाओ तो एजेंसी वाले बोलते हैं हम जी एंटी रस्टिंग लेयर का पेंट कर देंगे, अरे पेंट करने की बजाय नीचे प्लास्टिक की बोतल वो लगा दो ना, लेयर फाइबर होता है जैसे अपना पतला सा, उसको सीधा चिपका दो उसके साथ नट बोल्ट लगा के, बहुत आसानी से काम हो सकता है, ठीक है, वो एंटी रस्टिंग वगैरह को काम तो करता नहीं है। खैर जहां पर गंदे इलाके हैं जहां 24 घंटे पानी में गाड़ी चलनी है वहां पर तो यही प्लास्टिक ही काम आएगा और वो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है भाई, ये समझ में आ गया होगा बेटा, है ना। यस सर, यस, ठीक है, तो आपने ये तो रोड तो बना लिया समझ लिया। डिप्रेशन और लास्ट है अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, इसको हम कल करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, तो ये तीनों हम आज ही करेंगे, ठीक है, कुछ कुछ मैंने इसका आइडिया दिया था पहली स्लाइड में ही, तो अब चला जरा इसको स्टार्ट करते हैं। एबनॉर्मल, तो सबसे पहले जो है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ये मैं बता चुका हूँ। एबनॉर्मल क्या होता है कि दोबारा से देखो क्लियर कर देता हूँ, ये था कि रिलेटिवली लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इससे मैंने एक फॉर्मूला निकाला, ठीक है, इसका मैंने फॉर्मूला बना लिया जिससे मैं इसको मेजर कर सकता हूं, और इस फॉर्मूला से स्पेलिंग गलत है ये, ठीक है, तो इस फॉर्मूला से जो भी फॉर्मूला बनेगा, इस फॉर्मूला से मैं मोलर मास निकालता हूं, तो जो भी मोलर मास निकालता हूं बिल्कुल सही निकलेगा, बट अगर अगर सोल्यूट के मोलिक्यूल एसोसिएट या डिसोसिएट होते हैं तो जो मोलर मास का मैं फॉर्मूला इस फॉर्मूला से मोलर मास निकालूंगा वो सही नहीं निकलेगा, क्योंकि उनके एसोसिएशन या डिसोसिएशन से उनके वेपर प्रेशर में रिलेटिवली लोअर वेपर प्रेशर या फिर उनके इलेवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे असर पड़ता है, एसोसिएशन या डिसोसिएशन से, ऑस्मोटिक प्रेशर पे भी असर पड़ता है डिसोसिएशन या एसोसिएशन से, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टियां अफेक्ट होती हैं, तो इसलिए ये फॉर्मूला फिट नहीं बैठता, तो इन फॉर्मूलाज के अंदर हम फिर लाएंगे वोन होफ फैक्टर, तो वो वोन होफ फैक्टर जो है वो यहां पर हम करने वाले हैं। एबनॉर्मल मोलर मासेस, समझ में आया बेटा एबनॉर्मल मोलर मासेस क्या होते हैं? Yes. मतलब सीधी सी बात है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से जो फॉर्मूला बनाएंगे उनको मेजर करने के लिए उस फॉर्मूला के थ्रू हम मोलर मास भी निकाल सकते हैं, हमारे सोल्यूट का नमक का मोलर मास निकाल सकते हैं, ठीक है, चीनी का मोलर मास निकाल सकते हैं, चीनी डिसोसिएट भी नहीं होती एसोसिएट भी नहीं होती, चीनी का तो परफेक्ट आ रहा था, नमक का निकाला तो गलत आ रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ जाता है एसोसिएट हो जाता है उसका निकाला उसका भी गलत आ रहा था, तो फिर हमने उसको करेक्ट करने के लिए वोन हो फैक्टर को निकाला और वोन हो फैक्टर से हम उसको सही निकाल सकते हैं, तो वो देखते हैं अब जरा वो क्या है, ठीक है, तो यहां पर देखिए जरा, और ये इन्होंने जो एग्जांपल दे रखा है ये एक्चुअल में ऑस्मोटिक प्रेशर वाला एग्जांपल दे रखा है, तो इसको इसको अभी नहीं करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर हम कल करेंगे डिटेल में, बट फॉर्मूला वही है ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, ठीक है, तो देखिए क्या होता है, आई दैट इज आई वोन हो करेक्शन फैक्टर, करेक्शन फैक्टर बोलते हैं इसे, करेक्ट कर रहे हैं ना फॉर्मूला को क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं आ रहा था एसोसिएशन और डिसोसिएशन के कारण, समझ में आ गया भाई, तो
एक्सपीरियंस ये कह लो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड एक्चुअल एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये सारे नाम इसी के हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड एक्चुअल एबनॉर्मल वैल्यू, मतलब जो आपने फाइंड की है, जो आपने खुद निकाली है, तो इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ बाय फॉर्मूला, ठीक है। और ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, मतलब जो सही में है, मान के चलो NaCl का एग्जाम्पल ले लें, है ना, ज्यादा बेटर रहेगा आपको सीधा समझ में आएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे नाम है, सारे नाम आपको याद होने चाहिए। NaCl का मोलर मास कितना है? 58.5, 23 + 35.5 = 58.5, ठीक है, 58.5, तो ये तो हो गया इसका एक्चुअल मास, इतना बनेगा ना 58.5। अब क्लियर है बेटा? अब मान लो कि मैंने फॉर्मूले से निकाल लिया कि इसका मोलर मास जो आता है वो आता है 60 divided by 58.5। NaCl के केस में आप इसको एग्जाम्पलेट करके ऐसे सोच सकते हैं, तो यानी ज्यादा आया मोलर मास, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो डिसोशिएट हो रहा है, कम आए 50 आ जाए समझ लो एसोशिएट हो रहा है, समझ में आ गया। तो ये 60 वैल्यू का मतलब है कि जो हमने ऑब्जर्व की है, यानी कि देखो एक्सपेरिमेंट करके निकाली है, एक्सपेरिमेंट मतलब किस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्वियस अभी एक्सपेरिमेंट तो जो हम फॉर्मूले से निकालेंगे, ऑब्जर्व की, ऑब्जर्व मैं ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एक्चुअल वैल्यू जो सही में वैल्यू आई फॉर्मूले से, अब एक्चुअल को ना उल्टा मत समझ लेना कि एक्चुअल मतलब असली वाली, असली तो 58 है, थ्योरेटिकल वैल्यू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और एबनॉर्मल वैल्यू है, देखो एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये एबनॉर्मल है, ये सही नहीं है, समझ में आया? तो इसको एक्चुअल की जगह इसका नाम क्या होना चाहिए था, फेक वैल्यू या गलत वैल्यू, रॉन्ग वैल्यू होना चाहिए था, बट ऊपर एक्चुअल लिखा होता है। अब ये एक्चुअल प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ज्यादातर बच्चे सोचते हैं एक्चुअल तो मतलब असली वाली होती है, ऊपर असली वाली आएगी नीचे नकली वाली आएगी, उल्टा है, नीचे आएगी असली वाली, ठीक है ना, समझ में आ गया सबको? इसमें कंफ्यूज मत होना, वर्ड यही यूज होगा, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा कि वर्ड यही यूज होता है, एक्चुअल ही होता है। नीचे थ्योरेटिकल तो बंदा सोचता है थ्योरेटिकल मतलब जो हमने निकाली है, और एक्चुअल मतलब जो असली वाली है, कई बार सिर्फ इतना फॉर्मूला भी यूज होता है, एक्चुअल बाय थ्योरेटिकल या एक्सपेरिमेंटल बाय थ्योरेटिकल या ऑब्जर्व बाय थ्योरेटिकल या एबनॉर्मल वैल्यू बाय थ्योरेटिकल, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो ये वर्ड सारे ऐसे ही काम करते हैं। इसलिए मैंने आपको NaCl का एग्जांपल दिया कि NaCl का 58.5 जो है वो एबनॉर्मल मोलर मास है, ठीक है, ये वाला, तो ये अब आपने कहां पर रखा हुआ है, ये आपको सीधा दिखाई दे रहा होगा कि नीचे आएगा असली वाला, ठीक है, और ऊपर 60, 65 कुछ भी लिख सकते हो, मान लो मैं इसको 65 कर देता हूँ, थोड़ा सा वैल्यू था कि आपको, ठीक है, मुझे नहीं पता कितनी आएगी कैसे आएगी, मैं जस्ट ये गैस लगा रहा हूं, ठीक है, 65 वैल्यू आती है। अब आगे देखिए, एक और है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी वैल्यू की जगह पर ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल आपने ऑब्जर्व किए। तो मान लो कि NaCl जो है वो आपने एक मोलिक्यूल डाला था, NaCl का वन मोल कह लो या वन मोलिक्यूल कह लो, और NaCl क्या हो गया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, तो यहां पर तो दो मोल बन गया, तो ये जो भरना है ऑब्जर्व्ड मोलैलिटी, दो मोल, तो यहां पर दो मोल आएगा, ये समझ में आ गया, यहां आएगा दो और नीचे आएगा एक, यस क्लियर हुआ, ये क्या है, यस सर, ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या है, वहां तो मोलर मास है, मोलर मास डिवाइड बाय मोलर मास, नीचे वाले फॉर्मूले में क्या है, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल, मोलैलिटी में। अब आप कहोगे सर सिर्फ नंबर ऑफ मोल आएंगे, बिल्कुल, मोलैलिटी क्या होती है, मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, नीचे भी तो मोलैलिटी, दोनों में कैंसिल हो जाएगा, हाँ नीचे भी तो मोलैलिटी है, मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो केजी ऑफ सॉल्वेंट से तो केजी ऑफ सॉल्वेंट कट जाएगा, क्योंकि हम एक ही चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो 2/1 मोल बाय मोल आएगा ये, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब इसको कैसे लिखूं मैं भी यहाँ पर कहीं, चलो इस तरफ लिखते हैं ना, दूसरी तरफ लिख देते हैं इसको, इक्वल यहाँ जैसे 2/1, ठीक है, ये 2/1 आएगा किस केस में, तो इसका केस हम इधर लिख देते हैं, NaCl का NaCl इक्वल वन मोल हमने ले लिया, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में NaCl क्या हुआ, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव इक्वल 2 मोल हमारे पास आ गया, ठीक है, तो ये जो 2 मोल और 1 मोल का रिलेशन है, ये अब आपको समझ में आ जाएगा, ये 2 मोल ये वाला है, ठीक है, 1 मोल ये वाला है, समझ में आ जाएगा ऐसे क्या? यस सर, यहां हम मोलैरिटी की जगह मोलैरिटी नहीं ले सकते है ना,
मोलैरिटी नहीं लोगे बेटा, क्योंकि टेम्परेचर कम ज्यादा कर रहे हो. टेम्परेचर नहीं होता रिलेटिवली बॉइलिंग पॉइंट, और क्या बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और यस इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाओगे, फ्रीजिंग पॉइंट में कम करोगे, टेम्परेचर कम ज्यादा कर रहे हो, और टेम्परेचर डिपेंडेंट मोलैरिटी नहीं है, इसलिए मोलैरिटी है. समझ गए? क्योंकि मोलैरिटी के अंदर सोलवेंट इन सोल्यूशन इन लीटर होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने पर सोल्यूशन का वॉल्यूम बदल जाएगा. वॉल्यूम बदलेगा तो यस वो एक और दिक्कत क्रिएट कर देगा, तो मोलैरिटी और मोलैलिटी ही डिफरेंट हो जाएगी, तो फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए मोलैलिटी ही ली जाएगी. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा. तो देखो इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं. थ्योरेटिकल मोलर मास, मोलर मास वही डिवाइड बाय एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व मोलर मास, अपेरेंट मोलर मास. तो भाई इस थ्योरेटिकल यानी फॉर्मूला मास और अपेरेंट मोलर मास, ये भी वही है. फॉर्मूला मास जो थ्योरेटिकल आया और अपेरेंट आया, ये तो वही है. तीसरा फॉर्मूला नहीं भी याद करोगे चलेगा. अब देखो आई की वैल्यू जो है वो यहाँ आई की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, ये तो समझ में आ गया होगा. डिसोसिएशन जब टूट जाएगा, हमने 1 मोल लिया था तो 1 मोल से तो ज्यादा आएगी वो. समझ गए? डिसोसिएशन में जैसे सबसे ऊपर वाले देखो 65/58.5, तो ये 1 से ज्यादा बन रहा है. ये तो क्लियर है? क्लियर है बेटा ये सबको? यानी ये डिसोसिएट हो रहा है, डेफिनेटली ये डिसोसिएट होगा. और मैंने एनएसीएल का एग्जांपल उसी हिसाब से सोच के, अगर एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन की केस में वो 1 से कम आ जाएगी. बस ये चीज ध्यान रखनी है, वैसे एक कॉमन सी चीज है, आपको डेफिनेटली आ जाएगी, है ना? तो बस ये ध्यान रखिए. नेक्स्ट देखिए, आई इक्वल पाई बाय एक्सपेरिमेंटल पाई बाय थ्योरेटिकल. तो ये जो दे रखा है इस पर अभी आपको कोई ध्यान नहीं देना है, ये ओस्मोटिक प्रेशर के लिए है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं. ठीक है? मुझे इसको कट कर देना चाहिए था बट मेरे को दिखाई अब दिया, तो इसको आप सिंपली अभी के लिए कट कर सकते हैं. नीड नोट टू डू नाउ. ठीक है? अभी इसको मत देखिए. समझ में आ गया अभी सबको? यस सर. ठीक है, मैं इसको काट रहा हूँ. नेक्स्ट चलिए अब आगे देखते हैं. तो देखिए रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और अल्फा के बीच में एक रिलेशन दिखा रखा है इन्होंने. ये रिलेशन है ना, ये रिलेशन अब मैं आपको आई की वैल्यू में और अल्फा के बीच में, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताता हूँ. बहुत आसान सा बताऊंगा, इनका थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ा टिपिकल टाइप में लग रहा हो, है ना? हम इसको बहुत आसान करेंगे क्योंकि ये मेरे को खुद को ही अच्छा नहीं लगता. देखिए अब जरा इसके अंदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में, सबसे पहले डिसोसिएशन के केस के अंदर लगाते हैं. डिसोसिएशन में देखिए क्या होता है. यहां पर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन में, और इसको नोट कर लेना बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा. डिसोसिएशन के केस में आई क्या होता है, आई आई यानी ग्रेटर देन वन, है ना? वो 1 से ज्यादा होगा डेफिनेटली, लेकिन उसको निकालते कैसे हैं? टोटल. हाँ बेटा कोई बोल रहा है कुछ? सर ऑब्जर्व्ड जो हमारे मोल्स हैं डिवाइडेड बाय रियल जो मोल्स. हाँ वो ठीक है, लेकिन वो इतना सिंपल नहीं होता हर बार. वो जो था वो थ्योरेटिकल वो वाला था फॉर्मूला था. ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्मूला इसमें करने वाले हैं, वो देखिए जरा क्या होता है. ठीक है, तो देखिए वेट. ठीक है, तो देखिए टी टोटल मोल, ये टी का मतलब है टोटल मोल, माइनस में टोटल मोल इंटू अल्फा. ठीक है, प्लस में एन इंटू टोटल मोल इंटू अल्फा डिवाइड में टोटल मोल. अब ये लगेगा कि ये क्या है, ध्यान देना. अब लेट इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं. लेट टोटल आपके पास मोल थे, टोटल मोल जो हमने कल किया था ना, मैं उस तरीके को, मतलब यहां पर ये वाले तरीके को मैं कल अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था, कल वाले न्यूमेरिकल में, जो कि गलत अप्लाई हुआ, लेकिन ये सही करवा रहा हूँ, डोंट वरी. ठीक है, मेरे को लगा कि इस तरीके से हो जाएगा वो. सर हाँ बेटा. सर ऊपर से टी आके कट नहीं जाएगा नीचे कॉमन आके? बेटा बीच में प्लस माइनस है, कॉमन आके बिल्कुल कट जाएगा, टी से टी वन आएगा, वो भी बताऊंगा, डोंट वरी. टी क्यों लगाया, स्पेशली मैंने टी लगाया, वरना वन वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे, वो अभी बताऊंगा, कंफ्यूज ना होता कि वन के चक्कर में. लेट टोटल मोल जो है वो 10 मोल है. ठीक है, टोटल मोल है 10. अब देखो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट या डिसोसिएट कितने हुए, डिसोसिएट हो गए सुपोज दैट 10 में से 3 मोल डिसोसिएट हो गए, 3 मोल. ठीक है, तो देखो भाई टोटल है 10, माइनस कर दिए 3. ठीक है, यानी कि कितने आ गए, 7 मोल तो ऐसे के ऐसे रह गए. ठीक है, ये किसके लिए है, वीक साल्ट, वीक एसिड, वीक बेस, उनके लिए है.
वो पूरे डिसोशिएट नहीं होते हैं, ये आपको पता ना, स्ट्रॉन्ग साल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस पूरे डिसोशिएट हो जाते हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। तो यहाँ सिर्फ ये वीक साल्ट वगैरह के लिए है, वो पूरे डिसोशिएट हो जाते हैं तो आई की वैल्यू 1 आएगी, बात ही खत्म है, कोई चक्कर ही नहीं है, यहाँ 1 नहीं आती। तो मान लो 7 मोल तो क्या हो गए, डिसोशिएट हो गए। अब जरा बताओ मुझे, 3 मोल जो है वो, सॉरी 3 मोल डिसोशिएट हो गए तो बच गए 7, 7 बच गए तो 7 मोल हैं तो सॉल्यूशन में ना, भले ही वो भी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे असर डालेंगे, वो भी तो सॉलिड हैं, वो भी तो वेपर प्रेशर को कम करेंगे, तो 7 मोल तो वही काम करेंगे जो उनको नॉर्मली करना चाहिए। लेकिन 3 मोल जो थे वो टूट गए। अब 3 मोल, एक मोल दो हिस्सों में टूटा, सपोज दैट यहां पर NaCl का एग्जांपल रख लेते हैं, NaCl, तो NaCl आपको पता है किसमें डिसोसिएट होता है, Na पॉजिटिव NaCl माइनस और Cl नेगेटिव में, बट NaCl नहीं लेंगे, नहीं 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 नहीं, ये तो 100% डिसोसिएट हो जाता है ना। कौन सा साल्ट लें, भी वीक वाला साल्ट बताया कोई मेरे को, CH3COONa, वो भी नहीं लेंगे, वो डाइमर बनाता है, उसको मैं बाद में यूज करूंगा, कोई और बताओ, AgCl ले लेते हैं, ठीक है, AgCl, AgCl होता है स्ट्रॉन्ग होता है, वीक होता है, वीक ही होता है, ठीक है, याद है मुझे, ठीक है, AgCl, क्लियर है भाई, Ag पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट गया, तो एक मोल के कितने टुकड़े हुए, दो, दो, तो 3 मोल के कितने टुकड़े होंगे, यहाँ देखो आफ्टर डिसोसिएशन, तो यहाँ मैं वही लिख रहा हूँ, 3 मोल, जो 3 मोल हैं आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन वो इक्वल कितने हो गए, 3 × 2 इक्वल बन गया 6 मोल बन गए। यस, क्लियर हो गया? यस सर, ठीक है यार, फॉर्मूला है उसमें एन क्या है, अरे बताऊंगा सारा बता रहा हूँ, उसी को समझा रहा हूँ बेटा, सारे फॉर्मूले को ही समझा रहा हूँ, वेट, ठीक है। तो देखिए, तो ये 6 मोल बन गए, पहले मैं सिंपल एग्जांपल से आपको बता दूंगा, 6 मोल बन गए, तो अब बताओ जरा टोटल मोल कितने हो गए, 13 मोल, टोटल न्यू मोल कितने हो गए, नए मोल कितने हो गए, 7 तो बचे हुए थे, 6 नए बन गए, तो टोटल हो गए 13, ठीक है, और पहले टोटल मोल कितने थे, 10, तो आई कितना आ गया भाई, बताओ जरा आई कितना आएगा, 13 / 10 / 10, तो ये आ गया 1.3 आ गया आई, समझ में आ गया सबको? यस सर, यहां से निकालना बहुत आसान था, ठीक है, क्योंकि मैंने सीधा बताया कि 3 मोल डिसोशिएट हो गए, 3 मोल डिसोशिएशन की जगह अगर मैं अल्फा दे दूं, तो अल्फा, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, इसकी जगह अगर मैं अल्फा दे दूं, अल्फा कितना है भाई, अल्फा को कैसे निकालते हैं, व्हाट इज अल्फा, अल्फा जो है वो होता है जो डिसोशिएट हुए डिवाइडेड बाय टोटल, 3/10 होता है अल्फा, यानी कि 0.3, समझ में आ गया, अल्फा के बारे में पता लग गया सबको? Yes, sir. तो अल्फा ये होता है, यानी कि अल्फा ऐसे निकाला जाता है। अब अगर आपको अल्फा दे दे कोई, तो भाई ये सीधे तो नहीं कर सकते आप, तो फिर देखो फॉर्मूला लगाते हैं, अब हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे बेटा, ये वाला फॉर्मूला लगा के मैं नीचे वाला न्यूमेरिकल सोल्व कर रहा हूँ, टोटल है 10 माइनस में T × अल्फा, यानी कि 10 मल्टीप्लाई में 0.3 कितने आएंगे, 3 आ गए, yes, यानी के 3, मतलब जितने टोटल है टोटल में से माइनस कितने कर दिए जो डिसोशिएट हुए, और प्लस में डिसोशिएट जो हुए थे, यानी के दो, एक के दो बने थे ना, n यहां पर है 2, n जो है n इक्वल 2 फॉर AgCl, AgCl क्या होता है भाई, दो टुकड़ों में टूटता है, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो दो वैल्यू आएगी, समझ में आ गया, दैट इज 2, दैट इज 2, n की वैल्यू 2 है, 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, T × अल्फा से, है ना, तो T देखो 10 था, अल्फा था 0.3, मैं उसको वही लिख रहा हूं, डिवाइड में आ गया 10 डिवाइड बाय 10, तो देखो कितना आ जाएगा, 10 माइनस 3, मतलब 10 थे तो 7 बच गए, ठीक है, 10 में से 3 माइनस हो गए, 7 बच गए, और जोड़ दिया हमने कितना, 7 को 2 से, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, क्योंकि दो, जो 3 टूटे थे वो एक्चुअल में 6 बन गए, क्लियर है बेटा? यस सर। तो इसको अब हम इक्वल लिख सकते हैं 7
प्लस में 6 डिवाइडेड बाय 10 वैल्यू सेम आएगी 13 बाय 10 और इक्वल आ जाएगा 1.3। यहां से भी आई बिल्कुल सेम निकला, समझ में आ गया? इसको करवाने का मीनिंग समझ में आया आपको? यस सर। तो देखो अल्फा यानी सीधा फॉर्मूला अब आपको समझ में आ गया होगा। इस स्लाइड को क्लिक कर लेना, टी माइनस, अब देखो टी की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, ठीक है? आप लोगों को इनसे एक बच्चा बोल रहा था ना कि सर ये टी कॉमन लगा ले, बेटा ठीक है वो 1 आ जाएगा, क्योंकि अल्फा क्या होता है पता है, अल्फा 1 में से निकाला जाता है। जैसे अल्फा को परसेंट बनाना हो तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करने की बजाय उसको क्या करता हूँ, मतलब 1 में से, 100 का परसेंट का मतलब 100 में से कितने नंबर आए आपके, है ना? अब मैं कहूं 1 में से कितने आए, तो सिंपल है भाई, अल्फा 1 में से होता है, 100 में से नहीं 1 में से, तो 1 में से तो पॉइंटों में आएगा कोई भी चीज। तो 0.3 का मतलब है ये एक्चुअल में कितना है, 100 से मल्टीप्लाई करके देखो 30% है, यानी 30% डिसोसिएशन हो गया, क्लियर है? अब टोटल को, सारे टोटल को बाहर निकालोगे तो 1 बन जाएगा, मतलब 1 क्या है, टोटल 1, और अल्फा क्या है, 1 में से कितने टूट गए, क्लियर हो गया? टी मतलब टोटल, टोटल मोल्स हैं, लेकिन अगर मैं उसको 1 ले लूं तो अल्फा क्या है, 1 में से कितने टूटे, तो अल्फा 1 में से जितने टूटे हैं वो है वैल्यू। तो टोटल को, 1 को अगर अल्फा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डिसोसिएटेड मोल कि कितने टूटे, क्लियर है? तो वो थोड़ा कंफ्यूज ज्यादा करता है बच्चों को, इसलिए मैंने टी को टी रहने दिया, इसको टोटल ही मानो, अल्फा को अल्फा मानो, बहुत आसानी से समझ में आएगा, क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर। ठीक है, टोटल को 1, अगर आप टोटल 1 ले रहे हो, 10 की जगह 1 ले लो बेटा, कौन मना कर रहा है आपको, 10 की जगह 1 लो, अल्फा को अल्फा लो, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल जितने हैं अपने आप वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। यहां पर अगर हम कहें कि सर हमने यहां 10 तो 10 ले लिया और 0.3 जो था वो उसको तो अल्फा ही रखा, वो तो 1 में से है और आप तो 10 में से ले रहे हो, तो बेटा नीचे टोटल से डिवाइड भी तो कर दिया ना, वही रहेगा सेम, समझ में आ गया? यस सर। इसमें इस पूरे में से 10 को क्या कर लो, कॉमन निकाल लो, नीचे 10 से 10 डिवाइड हो जाएगा, ऊपर की वैल्यू आ जाएगी सीधी सीधी, ठीक है? ऐसा भी कर सकते हो, तो वो कंफ्यूजिंग था इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा और नहीं लिया, ठीक है? अब बात करते हैं बेटा एसोसिएशन के केस में, सुपोज दैट एसोसिएशन करना हो अपने को, एसोसिएशन के लिए भी मैंने सिंपल फॉर्मूला बना रखा है भाई, ठीक है? फॉर एसोसिएशन, अगर कोई चीज जुड़ जाती है एसोसिएशन, अब देखो एसोसिएशन के लिए मैं ऐसा एग्जांपल आपको फटाफट थोड़ा सा लिख दूंगा, लेकिन आपको आई सीधा लिख के दे रहा हूं, ठीक है? आई क्या होता है, टोटल जितने थे माइनस में, ये माइनस तो करेंगे, टोटल इनटू अल्फा मतलब जितने जुड़ गए, टोटल मान लो 10 थे, अब मैं ओरल बता रहा हूँ ये एग्जाम्पल, ठीक है? क्योंकि वो ऊपर वाला एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, टोटल 10 थे, 10 में से 3 मोलिक्यूल, 3 नहीं कहेंगे अब 4 लगा लो, 10 में से 4 मोलिक्यूल आपस में जुड़ गए, क्लियर है? तो 4 को माइनस कर दे, यस सर, समझ में आया? तो अल्फा क्या होता है, अभी कितना हिस्सा जुड़ा, तो अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो आएगा ना कि कितने पॉइंट्स में, क्योंकि अल्फा पॉइंटों में होता है, और इसके अंदर फिर जोड़ देंगे। अब वो 4 मोलिक्यूल आपस में जुड़ गए थे ना, अब क्या करें कि जो 4 मोलिक्यूल्स हैं उससे कितने बने, पहले तो हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया था 4 को, ठीक है? तो क्या हुआ था, n से मल्टीप्लाई करने के बाद भी 3 मॉलिक्यूल थे, तो 3 से वो 6 हो गए थे, यहां पर मान लो 2 का 1 बनता है, सपोज 2 का डिवाइड कर देंगे 1, तो n से डिवाइड, सिंपल, ठीक है? तो यहां पर इसको हम t अल्फा को 2 से 1 बन रहा है डिवाइडेड बाय n, यानी अगर ये 4 मॉलिक्यूल थे, मैं इसका एग्जांपल भी लिख दूंगा, फटाफट करवा दूंगा उसको, डिवाइड में टोटल, ठीक है? ये n यहां मत लिख देना इस n को, क्यों, ये पहले प्लस में है, पहले इस सब को सॉल्व करेंगे, तो s के पंगे में पढ़ना ही नहीं अपने को, सीधा यही याद रखिए। यानी अब लॉजिकली इसको देखें, मान लो टोटल 10 मॉलिक्यूल थे, 4 जो हैं वो क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए, ओ एसोसिएट, ठीक है? प्लस में आएगा, 4 मॉलिक्यूल से 1 से 2, 2 से 1 बनता है, तो 2 से डिवाइड कर दें, तो 4 मॉलिक्यूल के तो 2 बन गए, डिवाइड में आएगा टोटल 10, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 10 माइनस 4 है तो चलो इसको सीधा कर दें, ये 6.8 है, प्लस में 2 आ गया, डिवाइड में आ गया 10, ठीक है? तो ये आ गया 8/10, तो ये आ गया 0.8, ठीक है? ये 0.8 बन जाएगा, समझ में आ गया? अब ये 4 कैसे आया, तो देखो हमें अल्फा पता होना चाहिए, क्योंकि ये t into अल्फा आपको कंफ्यूज करेगा शायद, कि 4 टोटल मॉलिक्यूल थे, तो वो 4 नहीं देगा आपको कि 4 मॉलिक्यूल जुड़ गए, ऐसा नहीं कहेगा, वो परसेंट बताएगा, 4% जुड़ गए, या 10 टोटल हैं तो 40% जुड़ गए, वो परसेंट बता सकता है 40%,
फिर तो ठीक है हम निकाल लेंगे 40% टोटल का 40% इजीली निकल जाता है, मेरे पास मॉलिक्यूल आ गए, बट वो अल्फा देगा आपको और कंफ्यूज करेगा। तो अल्फा मतलब परसेंट को 100 से डिवाइड कर दो, अल्फा आ गया तो वो आपको अल्फा देगा। तो अल्फा कैसे निकलता है भाई, जो टोटल मॉलिक्यूल डिसोसिएट टू एसोसिएट हुए डिवाइड में टोटल, ये होता है अल्फा, यानी कि 0.4, 40% का 0.4 निकलेगा। तो यहां पर देखो अल्फा है 0.4, 0.4 को मल्टीप्लाई कर दी 10 से, तो वही 4 ही आएगा ना, तो ये 4 आ रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको जो याद रखना है वो सीधी सी बात है, ये वाला फॉर्मूला जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यही याद रखना, बाकी सब समझने के लिए था। ठीक है, बाकी सब कुछ सिर्फ समझने के लिए ही है। ये है फॉर्मूला जो आपको लर्न रखना है एसोसिएशन या डिसोसिएशन के केस में क्या होता है। ठीक है, ये चीज सबसे टिपिकल वाली है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और ये स्टूडेंट्स को ना समझ में बहुत लेट आती है। ठीक है, उनको कंफ्यूजन रहती है इसमें। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल लेना कि लेट फोर मोलिक्यूल एसोसिएट्स, चार मोलिक्यूल जुड़ जाते हैं। ठीक है, और ये है n, n मतलब दो से दो का एक बनता है। सपोज एग्जाम्पल भी यहां लिख दूं क्या, दो से एक बनता है, जैसे CH3 COOH है, ऐसे ऐसे हमारे पास दो मोलिक्यूल हैं, तो दो से एक कैसे बनता है वो जरा देखिए, दो से एक कैसे बनता है, CH3 COOH, और ये दो मैं ना पैरों में लगा रहा हूं, ध्यान देखना, सबस्क्रिप्ट यहां, मतलब ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, वहां तो दो लगा हुआ, मतलब ये दोनों अलग अलग मोलिक्यूल्स हैं। समझ में आ गया सबको, क्लियर है सर? जैसे कि दो ओ को जोड़ के O2 बना दिया, दो ओ को जोड़ के, हाँ आप ऐसा कह सकते हैं उस तरह से, हाँ उस तरह से, बट ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं बेटा, वैसे नहीं कह सकते। चलो मैं इसको बताता हूँ कैसे जुड़ते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। देखो इसका, इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर आ गया O और H। ठीक है, एक और दूसरा मोलिक्यूल होता है यहाँ पर C, इस जगह पर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर होता है उसके उल्टा, लिख रहा हूँ दोनों को ध्यान रख लेना, उसका OH और उसका वो आपस में एक दूसरे से अलग है, और ये आ गया CH3। ठीक है, दोनों मोलिक्यूल समझ में आ गए कैसे लिखे हैं? अब देखो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव है, हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव है, दोनों के बीच में डॉटेड लाइन मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर भी हाइड्रोजन पर स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी इस पर पॉजिटिव होगा, ठीक है, और ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में डॉटेड लाइन, ये है एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो दो मोलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। आप ओ और ओ को जोड़ रहे हो तो वो तो बेटा ऑक्सीजन का सीधा सीधा बढ़िया वाला बॉन्ड होता है, इसको इस एग्जांपल को ऐसे नहीं ले सकते, वो एसोसिएशन बाद में टूट जाती है, पानी हटाते ही एसोसिएशन टूट जाएगी, पानी में इस तरह से जुड़ जाते हैं। ठीक है, डाइबोरेन का केस ले सकते हैं एसोसिएशन में, किसका किसका, डाइबोरेन, डाइबोरेन हाँ BH3 डाइमर बनाता है, ठीक है ले सकते हो B2H6 बिल्कुल, बट जनरली वो बहुत स्ट्रॉन्ग डाइमर बनाता है, उसको पानी में घोलोगे तो वो डाइमर फॉर्म में ही रहेगा, और पहले भी वो डाइमर फॉर्म में ही था। ठीक है, तो उसके लिए इसकी बजाय ये पहले अलग होता है बाद में डाइमर बन जाता है, तो ये अप्रोप्रिएट एग्जांपल लिक्विड के लिए तो यही है, बट डाइबोरेन लिख कर समझा सकते हो, बट डाइबोरेन अगर वाटर में मिसिबल ही नहीं होता, घुलता ही नहीं है, ठीक है, वो नॉन पोलर है इस वजह से, तो वो गड़बड़ करेगा। ठीक है, तो ऑब्वियस उसका एग्जाम्पल लिया नहीं जा सकता। क्लियर हो गया अभी ये सबको, ये तो सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है, हाँ क्या किसी को डाउट है कोई? Yes, anyone have any doubt? नहीं है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब जरा। ठीक है, तो ये तो था भाई आपका वो, अब रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिवली लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कैसे निकालते हैं, मोलर मास कैसे निकालते हैं, अब वही हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो रिलेटिवली लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है P-PS होगा सोलवेंट का प्रेशर इक्वल डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर आएगा, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, खैर चेंज इन प्रेशर रिलेटिवली लोवरिंग ऑफ प्रेशर क्या होता है, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी, यानी पहले जो प्रेशर था डिवाइड में आएगा पी, ये होता है रिलेटिवली लोवरिंग। राउल्ट लॉ क्या बोलता है, तो राउल्ट लॉ सिंपल सिंपल यही हमारा राउल्ट लॉ है, ये पी नोट है, ये भी पी नोट है, ठीक है, जो प्योर प्रेशर है पी एस सोलवेंट का प्रेशर है, ठीक है, और ये सीधा एग्जाम्पल दे रखा है, ये बनेगा कैसे अब वो मैं आपको यहाँ पर डिराइव करके दिखाता हूँ नेक्स्ट उसमें। ठीक है, देखो क्या था भाई राउल्ट लॉ,
राउरकेला क्या कहता है बताएगा कोई? पी सोलवेंट, यहाँ सोलवेंट ही लेंगे, इक्वल होगा पी नोट्स इनटू एक्स मोल फ्रैक्शन, है ना, सॉल्यूशन का सॉल्वेंट का वो जो भी ले लो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, सीधा सीधा ये आएगा। अब इन्होंने क्या किया है यहाँ पर, पी एस सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय पी नोट इक्वल आ गया मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन इन्होंने देखो मोल फ्रैक्शन क्या ले रखा है, एन डिवाइडेड बाय एन प्लस एन। अब ये एन किसका है, छोटे वाला बड़े वाला, नंबर ऑफ मोल्स किसके निकलेंगे, सोल्यूट के सोलवेंट के, पहले तो मेरे को ये बता दो। मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं ना, सॉल्वेंट के निकलेंगे, एक्स जो है वो सॉल्यूट है, सॉल्यूट के सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकलेंगे, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकलेगा, ठीक है, यहाँ यही गड़बड़ मत करना, बस ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। अब देखो होगा क्या, ये इधर आ गया तो यहाँ पर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ गया, तो ये एन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एन वन लगा लेते हैं सॉल्यूट को, डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू। अब एन टू क्या है, सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स है, क्लियर है, ये समझ में आ गया। राउरकेला वाला फॉर्मूला ही है, जस्ट एन वन एन टू की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया। अब इसके बाद क्या करना, देखो भाई इसकी डेरिवेशन में थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, जब हम इसको डिवाइड करते डेराइव करते हैं, माइनस वन दोनों के आगे लगा दो, वन में से सॉरी दोनों को माइनस कर दो। आप इसको उल्टा पुल्टा करके भी निकाल सकते हो अगर आपकी चॉइस है तो, लेकिन ये एक ट्रिक टाइप में है कि दोनों में से वन को माइनस कर दो, वन में से दोनों को सॉरी माइनस कर दो, ऐसे कर सकते हैं, ये समझ में आ गया बेटा, ये कर सकते हैं ना। अब सीधा, अब आपके सामने सीधा फॉर्मूला आ जाएगा, तो क्या करें यहाँ पर, पी नोट वन बाय वन हो गया ना, तो पी नोट क्या आ गया, सॉरी पी नोट जो है, पी नोट जो है वो हमारा एलसीएम आ गया, तो यहाँ आ जाएगा पी नोट माइनस पी एस, समझ में आ गया, क्लियर है सभी को? यस सर। अब देखिए एन वन प्लस एन टू, और ये आपके पास में क्या आ जाएगा, यहां तो आएगा एन वन प्लस एन टू, और माइनस में क्या आ जाएगा, एन वन, ठीक है, एन वन से एन वन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, डेरिवेशन आसान है इसकी, समझ में आ रही होगी सभी को? यस। अभी तक समझ में आ रही होगी ना, आगे भी करेंगे इसको, बहुत लंबी चौड़ी है, छोटी नहीं है, ठीक है, तो ये आ जाएगा P नोट माइनस पी एस डिवाइड में आ गया P नोट, ठीक है, और इक्वल आ गया, पी एस क्या होता है, सोलवेंट का प्रेशर है ये, वेपर प्रेशर सोलवेंट का, ठीक है, और पी नोट उसका प्योर है या सोल्यूशन का कह लो, इसे सोलवेंट या सोल्यूशन एक ही बात है, बस यही कंफ्यूजन होती है, याद रख लेना कि सोलवेंट का है सोल्यूट का है और प्योर है क्या है, ठीक है, या सोल्यूशन का है, तो सोल्यूशन या सोलवेंट का वेपर प्रेशर तो ऐसा ही रहेगा राउरकेला के अंदर, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल वाला चल रहा है, नॉन वोलेटाइल, ठीक है, यहां मैं लिख भी देता हूं भाई, ये क्या है, सोलिड जो कि नॉन वोलेटाइल होता है प्लस लिक्विड जो कि वोलेटाइल है, तो ये सोलिड क्या है, नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, और लिक्विड क्या है, ये वोलेटाइल है, ये चीज याद रहनी चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगी, और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो याद ही नहीं होगी, लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले भी आपको एक बार जरूर याद होनी चाहिए, तो ये मैं लिख सकता हूँ भाई इसके आगे एन टू डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू, लिख सकता हूँ, yes. yes, अब देखो एन वन क्या था और एन टू क्या था, बताओ मुझे, सोल्यूट का था, ठीक है, हमने जो गड़बड़ करी थी वो आपको समझ में आ गया होगा, एन वन सोल्यूट है, हमने उसको एन टू को सोल्यूट समझ लिया था, एन टू मैंने इसको दोनों को एन टू लिख दिया, मैं कहीं कट गया, ऐसा तो होएगा ही नहीं, ठीक है, तो वो इस वजह से गड़बड़ आ रहा था, ये गड़बड़ होती है, सोच लेना कि ये सोल्यूट है कि सोलवेंट है, तो पी नोट, तो मैं एन वन और एन टू को क्या लिख सकता हूँ, एन टू सोल्यूट है और N1 क्या है, सोलवेंट है जो कि काफी बड़े अमाउंट में होता है, लिख सकता हूं, yes. ये समझ में आ गया होगा, फोर यहां नहीं लिखूंगा इसे, है ना, यहां लिखता हूं, N1 plus N2 equal N1 for dilute solvent, dilute solution, ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया, यस yes, सभी को क्लियर है ये, सर ये वाला पॉइंट रिपीट कर दो, बताता हूँ, देखो
नीचे देखो, नीचे क्या है, N1 और N2 है। N1 क्या है, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल। N2 क्या है, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल। तो अगर मैं चुटकी भर नमक डालूं, चुटकी भर नमक, तो क्या होगा, और एक लीटर पानी में डाल दिया, तो क्या नमक के नंबर ऑफ मोल काउंट करने जरूरी है क्या? पानी के बहुत है, पानी के खुद के ही बहुत है। तो 100 मोल में 55 मोल होते हैं, एक लीटर में पानी में 55.5 मोल होते हैं, ठीक है। तो 55.5 मोल पानी के अंदर अगर मैं चुटकी भर नमक डालूं तो उसके तो मोल वोल बनेंगे, वो पॉइंटों में मोल बनेंगे। तो 55.55 में 0.55 और जुड़ गया, क्या फर्क पड़ा, 0.05 जुड़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक भी जोड़ दो, 56 बना दो उसको, 55 को 56 बना दो, तब भी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा कैलकुलेशन में, क्या डिवाइड करने में, डिवाइड हो रहा है, नहीं पड़ेगा, दैट्स इट, है ना। तो इसलिए उसे नेगलेक्ट किया जा सकता है। तो यानी कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशंस के अंदर ही कामयाब होगा, दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन से होते हैं मेरे को ये बताओ आप लोग फटाफट। सर जिनमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम होती है, जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, जिसमें वाटर ज्यादा होता है, और हाँ 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 ठीक है, कितनी कितनी कितनी, कोई स्पेसिफिक नंबर है कि इस रेंज के बाद मैं इसको डाइल्यूट बोलना बंद कर दूंगा, कंसंट्रेटेड कर दूंगा। मान लो मैंने 1 ग्राम नमक मिला दिया एक लीटर पानी में, डाइल्यूट है, 2 मिला दिया डाइल्यूट है, 3 मिला दिया डाइल्यूट है, 4 मिला दिया डाइल्यूट है, कितने ग्राम तक डाइल्यूट रखू से और उसके बाद मैं कह दूं कि अब इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते भाई। तो अगर 5 से ज्यादा डला हुआ है तो वो डाइल्यूट नहीं होगा, फिर वो कंसंट्रेटेड होगा। तो ये फॉर्मूला तो वहां खत्म, समझ में आ गया बेटा। तो आपको N1 की वैल्यू और N2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है, ये क्लियर है भाई सबको? यस सर। अब इस फॉर्मूले के अंदर नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं वो सुन लो, ठीक है। नंबर ऑफ मोल निकालने की बजाय चलो मैं इसको कर देता हूँ, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नोट इक्वल आ जाएगा, एन टू की वैल्यू क्या भर सकता हूँ, गिवन मास बाय मोलर मास, डब्ल्यू टू बाय एम टू भर सकता हूँ, yes। और एन वन की वैल्यू क्या भर सकता हूँ, डब्ल्यू वन बाय M1 मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास भर सकता हूं, yes sir, yes sir, yes। तो बताओ N1 क्या था और N2 क्या था, फिर से बताओ, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग डाटा है यहाँ पे। N1 क्या है, सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है? सॉल्वेंट है, हमें सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स तो मोलर मास तो निकालना नहीं है, तो हमें तो M2 चाहिए, M2 उठा लो इसको, बात ही खत्म है, समझ में आया? Yes, sir। इसको निकालना, बाकी सबको लेफ्ट राइट ले जाओ, आपके पास में M2 की वैल्यू आ गई। इस फॉर्मूले से M2 की वैल्यू जो निकालेंगे एबनॉर्मल मोलर मासेस के अंदर वो सही नहीं आएगी, उसको I से मल्टीप्लाई कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है, समझ रहे हो? बस उसको I से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर अगर ये I से मल्टीप्लाई हो गया तो सारा फॉर्मूला एकदम सही हो गया, अब ये 100% सही फॉर्मूला है। और अगर आई से क्या है, क्या बेटा आई क्या है, I वोन होफ फैक्टर, अभी बताया था वोन होफ फैक्टर, हमने उसके ऊपर इतनी सारी डिस्कशन करी, आई को निकालने के सबसे पहले फॉर्मूलाज करे, फिर डिसोसिएशन और एसोसिएशन वाले भूल गए सारे। ये देखो ये आई तो निकाल रहे हैं, सारी कहानी आई की है बेटा, ये रही आई। ओके सर, याद आ गया? ये देखो, नहीं, ये भी लेट आया था ना इसलिए। अच्छा आप लेट आए हो क्या, ओके 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 ओके, फिर तो बेटा ये आप लेक्चर दोबारा देख लेना, ठीक है। ये लंबी चौड़ी मैं पूरा लेक्चर जाने को हुआ है पीछे वाली गलतियों को करेक्ट करने के लिए, स्लाइड्स को करेक्ट करने के लिए, कि कुछ बच्चों ने मिसिंग किया हो, तो इस लेसन में मैं सारा कुछ डालने की कोशिश करूं और कुछ भी गलत ना हो, ठीक है। तो M2 आ गया भाई, अब इसी फॉर्मूले को आगे भी डिराइव करेंगे बेटा, ठीक है। अगर सिर्फ यही हुआ आज तो भी कोई बात नहीं है, नेक्स्ट डे जब भी हम करेंगे तो फिर वो जो है ना लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो सब बाद में कर लेंगे, ठीक है। इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, वो तो 5 मिनट का मैंने बताया था ना, यही है सबसे बड़ी कहानी, रिलेटिवली लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसी में जो फॉर्मूला आते हैं, इसी में राउल्टला आ गया, डाल्टला नहीं आएगा बस इसमें, वो मैंने पहले लिखवा दिया है ना, तो वो भी आ गया इसी में, हेनरीला नहीं आ रहा, बस एक मैंने हेनरीला नहीं लिखा इस स्लाइड में, बाकी सारा कुछ इस स्लाइड के अंदर आ चुका है, फिर भी पीछे वाले लेक्चर आप देख सकते हैं, उसका वो लास्ट वाला 10 मिनट वाला लेक्चर छोड़ देना जिसमें मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया था, वो ऐसे सॉल्व होएगा
आगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल, दो लगातार लेक्चर डेडिकेट करेंगे सिर्फ न्यूमेरिकल्स को, ताकि आपका करेक्शन हो जाए और आपको अच्छे से आ जाए, और आप भी उसके बाद हर रोज 5 न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के सॉल्व करने लग जाओ, ठीक है ना बेटा? सर एक बार सॉलिड डेरिवेशन का छोटा सा रिकैप दे दो, ये पी नॉट वाले का, पी नॉट वाले का जो चल रही है इस पेज पे, ठीक है? देखो देखो क्या है, देखो बिल्कुल ठीक है, ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा, अब थोड़ा मोटा मोटा आपको आ जाए ना, फिर मुझे करवाना आसान हो जाए। देखो पीएस, ये तो सीधा राउल्ट ला, ये तो पता होगा, यस सर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? नीचे वाला देखो, फिर मैंने क्या करा, बस पी नोट को मैं इधर ले गया, ठीक है? तो ये आ गया इधर पी नोट, और ये इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, सोल्यूट का निकालना बस ये याद रख लेना, ठीक है? तो एन वन सोल्यूट है डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू, यही है, क्लियर है? यस सर, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखो आगे क्या है, तो अब मैंने क्या किया, वन में से दोनों को माइनस कर दिया, बस ये करना है, वन में से माइनस, ये एक ट्रिक है छोटी सी, यानी आपको करना कराना कुछ नहीं है, इसको लेफ्ट राइट लेके और कुछ इस फॉर्म में लेके आना था हमें, ठीक है? और कुछ नहीं करना था, तो वन में से इसको माइनस करने के बाद मेरे पास आया एन टू डिवाइड, यानी ऊपर जो एन वन है ना, मेरे को वो एन टू में कन्वर्ट करना है, कैसे करें, वन में से डिवाइड करने पर हो जाएगा, तो वन में से डिवाइड करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, पी नोट नीचे आएगा, पी नोट माइनस पी एस, और यहाँ एन वन से एन वन कैंसिल हो जाएगा, एन टू डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू, यानी जो ऊपर था देखो क्या है, ऊपर क्या है, n1 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 है, मैंने उसको थोड़ा सा पलट दिया, n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 है, n1 की जगह n2 बना दिया, कैसे बना दिया, 1 में से माइनस कर दूं तो वो n2 अपने आप बन जाएगा, तो ये इधर वाला भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? बस ये चेंज हुआ, ये याद रखने वाला स्टेप है, इतना आ गया। इसके बाद पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नोट जो है वो इक्वल, ये दोनों जो है एन वन और एन टू, इन दोनों की जगह अकेला एन वन भर सकता हूँ, क्यों, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, और डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन से होते हैं वो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे ना, वो भी लिख देते हैं, ठीक है? टिल 5% सर, ये सब समझ में आ गया, लेकिन हाँ, जो आपने स्टार्टिंग में ये समझ में नहीं कि आपने राउल्ट लॉ सॉल्यूट के लिए क्यों लगाया, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है ना, उसका तो वेपर प्रेशर होगा ही नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताता हूँ वो भी बताता हूँ, ठीक है? एक मिनट रुकिए, टिल 5% ऑल सॉल्यूशंस आर डाइल्यूट, सारे के सारे सॉल्यूशन जो होते हैं 5% तक सारे सॉल्यूशन डाइल्यूट होते हैं, ठीक है? हाँ, अब आप बताओ क्या कह रहे हो आप। सर मेरे को ये जानना था कि आपने सॉल्यूट के लिए क्यों लगाया राउल्ट लॉ, क्योंकि उसका तो वेपर प्रेशर होगा नहीं, वो तो नॉन वोलेटाइल है सॉलिड जो है। हाँ बिल्कुल सही बात है, एक मिनट मैं देखता हूँ, पी सोल्यूट, क्या हम सोल्यूट का वेपर प्रेशर निकालें, सोलवेंट का, ये तो सोलवेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, पी नोट इंटू सोलवेंट का ही यहाँ आएगा, ठीक है भाई? ये सही, आप सही कह रहे हो, इसको करेक्ट करूंगा बेटा, ठीक है? एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं डेरिवेशन करवा लूँ, इसका भी रीजन है मेरे पास, डोंट वरी, और मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है, बट मैं इसको कवर करना चाहता हूँ, आपका आंसर मैं कल भी दे दूंगा, उसकी चिंता मत करना, ठीक है? जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा मुझे, तब जाके आपको वो क्लियर होगा। तो एक बार इसको डेरिवेशन को कर लेते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है? तो ये यहाँ तक आ गया, M2 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ये समझ में आ गया होगा सबको? यस सर, ठीक है। अब देखिए जरा, मैं फिर से ना ये वाला, ये इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ भाई, ठीक है? बहुत ध्यान से देखना, ये फर्स्ट इक्वेशन है, मैं इसी को फिर से उठा रहा हूँ, यहाँ तक तो हमने इस फॉर्मूले को कर लिया, आप इसमें बस सीधी सी बात है, इसके अंदर आप M2 की वैल्यू निकाल लेना, निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है, मैं उसी फॉर्मूले को, ऊपर वाले फॉर्मूले को फिर से लिख रहा हूँ, इक्वेशन 1 को, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को मैं फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है? वो क्या कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, वो था सीधा पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नोट, इक्वल क्या था इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, एन टू बाय एन वन प्लस एन टू, है ना? एन टू डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू, ये मैं अब किसके लिए करवा रहा हूँ, ये क्या बोलते हैं उसको, एवरी सॉल्यूशन, चाहे कोई डाइल्यूट हो चाहे कोई कंसंट्रेटेड हो, सबके लिए चलेगा ये, ठीक है? तो उसके लिए करवा रहा हूँ, तो उसको ध्यान से देखिएगा आप, और ये वाला फॉर्मूला मतलब आप हर जगह पर अप्लाई कर सकते हो और कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो अगर मैं इन दोनों को पलट दूं तो भाई पलट सकता हूँ, पी नोट डिवाइडेड बाय, उल्टा कर दिया मैंने, रेसिप्रोकल, ठीक है? ये समझ में आया सबको? यस सर, एन वन प्लस एन टू डिवाइडेड बाय एन टू, बस ये क्लियर है। तो यहां से अब आपके पास में एक चीज आ जाती है, इसको सेम टू सेम रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, पी नोट डिवाइडेड बाय पी नोट माइनस पी एस इक्वल आ जाएगा। अब मैं इसको एन टू को डिवाइड कर सकता हूँ ना एन वन से, एन वन डिवाइडेड बाय एन टू, और इसे अलग रख सकता हूँ प्लस में एन टू डिवाइडेड बाय एन टू,
ऐसा कर सकते हैं, अगर नीचे एक ही हो तो दोनों के साथ लग सकता है, अगर उल्टा हो तो ऐसा नहीं कर सकते, पता होगा ये मैथमेटिक्स में जनरल मैथमेटिक्स है। Yes. Yes, sir. ये दोनों कट जाएंगे फिर, है ना, थोड़ा इसको साफ साफ काटते हैं ताकि आपको दिखता भी रहे, है ना, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन आ गया, सीधा सीधा पी नोट डिवाइडेड बाय पी नोट माइनस पी एस इक्वल आ गया एन वन बाय एन टू। अब इस एन वन बाय एन टू को जैसे पहले था वैसे ही पलट कर लिख सकते हो, देखो हमारा पहले क्या आ रहा था एन टू बाय प्लस वन भी तो बच जाएगा। हाँ हाँ प्लस वन बचेगा बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ये प्लस वन, अब इस प्लस वन को इधर ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, इसको ये वापस करेक्ट हो जाएगा, पी नोट डिवाइडेड बाय पी नोट माइनस पी एस माइनस वन इक्वल एन टू बाय नो सॉरी एन वन, एन वन बाय एन टू, ठीक है भाई क्लियर है ये। यस सर। ठीक है अब इसको जरा सॉल्व कर लो, प्लस माइनस वन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, पी नोट माइनस पी एस आएगा और यहाँ आ गया पी नोट, और माइनस में वन था और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा पी नोट माइनस पी एस, ठीक है क्लियर है। एन वन बाय एन टू ऐसा का ऐसा रहेगा अभी तक। अब देखो अब ये माइनस को सॉल्व करेंगे तो क्या होने वाला है, माइनस को सॉल्व करेंगे तो ये पी नोट से ये पी नोट कट जाएगा, कट जाएगा ना, और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी मैं लिख सकता हूँ पी एस, ऊपर पी एस बच गया, नीचे पी नोट माइनस पी एस इक्वल क्या आ गया एन वन बाय एन टू, ठीक है क्लियर है यहां तक सबको। Yes, sir. अब yes, देखो sir. आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं है, इसको जस्ट वापस पलट दो, क्यों पलट रहे हैं क्योंकि पहले वाले फॉर्मूले के हमें सिमिलर बनाना है, तो फिर से इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, डिवाइडेड बाय पी एस, पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाय पी एस इक्वल हो जाएगा एन टू बाय एन वन, और ये फॉर्मूला जो है एप्लीकेबल टू ऑल, एप्लीकेबल फॉर ऑल कंसंट्रेशंस, डाइल्यूट के लिए भी है और कंसंट्रेटेड के लिए भी है, दोनों के लिए है ये, ठीक है। अब N2 और N1 वही सेम टू सेम निकाल सकते हैं, P नोट माइनस पी एस, यहां देखो हमने किसी को नेगलेक्ट नहीं किया है, समझ में आ रही है ये बात, इक्वल N2 डिवाइड बाय N1, N2 क्या था W2, यहां W2 डिवाइडेड बाय M2 लगा सकते हैं और मल्टीप्लाई में आएगा N1 की जगह पर W1 डिवाइडेड बाय M1, और आपको निकालना क्या है यहां से जो हाईलाइटेड है वो M2 निकालना है, ठीक है समझ में आ गया सबको। यस सर। यहां से मोलर मास निकालेंगे, और अगर ये मोलर मास, अगर ये मोलर मास एबनॉर्मल आता है तो आप इसके आगे आई लगा दो बस, और वो एसोसिएशन और डिसोसिएशन वाला जो हमने पहले किया उसको सॉल्व कर लो, दैट्स इट। तो ऐसे करके आप यानी पानी में चीनी घोलो, ठीक है, आपको वेपर प्रेशर पता था पानी का कितना होता है, 10 डिग्री पे 20 डिग्री पे वो आपको पता होगा, ठीक है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पता है, प्योर फॉर्म का पता है, तो सॉल्वेंट का निकालना है, प्योर फॉर्म से सॉल्वेंट निकल जाएगा, ठीक है, वेपर प्रेशर, फिर उससे अगर आपको वो पता है ऑलरेडी, यानी सॉल्वेंट का भी पता है एक्सपेरिमेंट से, प्योर फॉर्म का पता है पहले से पता है, तो आपको क्या बोलते हैं उसको सॉल्वेंट यानी पानी का नंबर ऑफ मोल अमाउंट पता है, तो नंबर ऑफ मोल पता लग गए, पानी के नंबर ऑफ मोल पता है, तो अब आपको क्या करना है, M2 निकालना है बस, कितने ग्राम आपने चीनी डाली थी बस ये पता होना चाहिए, बाकी की सारी वैल्यूज पता होंगी तो चीनी का मोलर मास पता लग जाएगा। अब मान लो चीनी की जगह मैंने नमक घोल दिया तो नमक का मोलर मास आ जाएगा, नमक की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड घोल दिया तो उसका मोलर मास आ जाएगा, यानी कि मुझे नहीं पता मैंने अननोन सॉल्यूट डाल दिया और उसके बाद उसका मोलर मास काउंट कर लिया और उस मोलर मास को देखा कि वो किससे मिलता है, किस एलिमेंट या किस कंपाउंड से मिलता है, और मैंने अंदाजा लगा बता दी ये चीज होगी, यानी आपको पता लग जाएगा अननोन सॉल्यूट डालने के बाद कि पानी में मिलाया क्या था इस फॉर्मूले से, समझ में आ रहा है फॉर्मूला कैसे आया। यस सर। सर एक बार N2 N1 फिर से बता दो, सॉल्यूट सॉल्वेंट एक बार नोट करना था। देखो N1 जो है N2 और N1, यहाँ ऊपर और नीचे को बस इसको ध्यान रख लो कि हमने क्या ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या नेगलेक्ट किया था, वहां से आपको आ जाएगा। देखो N2 और N1 हमने क्या नेगलेक्ट किया, N1 को नेगलेक्ट किया, सॉरी N2 को, है ना, N1 और N2 इक्वल N1 के बराबर लगा दिया, मतलब सॉल्वेंट N1 है, जो ज्यादा अमाउंट में वो N1 है बस। ओके सर। हाँ ये सारी की सारी वैल्यूज, अब आपको ये सारा फॉर्मूला जो है एक स्लाइड के अंदर तो है लेकिन ये थोड़ा सा लंबाई में चला गया है ना, तो छोटा हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, आप पेज को खैर जूम करके तो देख ही सकते हैं। अब आगे देखते हैं बेटा,
नेक्स्ट देखो इफ सोल्यूट गेट एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड, अगर एसोसिएट या डिसोसिएट होता है पी माइनस पी एस बाई पी एस इक्वल आई इंटू एन बाई एन, ये वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको डिराइव किया, बस आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये स्लाइड क्लियर है आपकी। P माइनस पी एस बाय तो I इंटू मोलैलिटी इंटू ये देखो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स m बाय थाउजेंड, ये बकवास फॉर्मूला बता रखा है, इसको भी नहीं करेंगे तो चलेगा, ठीक है। फर्दर एंड अल्टरनेट के अंदर ये x2 निकाल सकते हैं, यानी ये पूरी स्लाइड ये नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा, इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये हम कर चुके हैं स्लाइड। नेक्स्ट आता है इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चलिए इसको फिर कभी करेंगे, ठीक है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ये तीनों स्लाइडें मैं आपके नोट्स में से हटा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, ये नोट्स में से मैं आप इनको तीनों को हटा देने वाला हूँ, सिर्फ इन्हीं को रखूंगा जो है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर जो दे रखा है इन्होंने, ये जो निकाला है ना, ये वाली चीज, ये हर फॉर्मूला में हर जगह पर अवेलेबल रहता है, हर फॉर्मूला पर अप्लाई होता है। पी माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस, पी मतलब पी नोट है और एन बाय एन, ये वही फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया, समझ में आ गया बेटा, क्लियर है ये सभी को, ठीक है। और इससे पहले हमने इसको आई को समझा था, वोन ऑफ फैक्टर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये आई के लिए था, दैट्स इट, ठीक है। और उससे पहले डिसोसिएशन, यहाँ पर भी आई समझा रखा है, ये आई देखो एन माइनस, जो आपने टी को कॉमन ले लिया ना, स्टूडेंट मेरे को बोल रहा था सर टी को कॉमन ले ले, ये टी है, ये टी है, ठीक है, और टी इंटू अल्फा, ये वैसा ही बनेगा, बस टी को कॉमन लेके ही आपको सीधा फॉर्मूला बता रखा है कि कैसे होगा, उसी को हमने एक्सपेंडेड किया है, एक्सपेंड करके किया है और कुछ नहीं किया, ठीक है। ये वाली स्लाइड कैसे गायब हो गई, अच्छा प्रोसेस हो रही है, ठीक है। यस क्लियर है भाई सबको, यस सर क्लियर, ठीक है। तो अब जरा मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, इसमें जो अननेसेसरी स्लाइड्स होंगी उसको मैं गायब कर दूंगा, और एक स्टूडेंट का एक डाउट रह गया था उसको हम थोड़ा सा वो बड़ा बनेगा, ठीक है, कि उसको हम सोल्यूट को ही क्यों ले रहे हैं जबकि हमारे पास सोलवेंट था, सोलवेंट का ही मोलर मास लेना चाहिए था, है ना, थोड़ा सा उस डेरिवेशन में हल्का सा चेंज आएगा और कुछ नहीं है, वो मैं आपको नेक्स्ट उसके अंदर ही बताऊंगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा बेटा, और अभी 8 पूरे बज चुके हैं, मेरे को दूसरी क्लास भी स्टार्ट करनी होगी, ठीक है, छोटा छोटा बता दो वरना फिर दिमाग में घूमता रहेगा। चलो मैं बता देता हूँ, स्टॉप मैं